अशोक भाई, वी कैन स्टार्ट। हेलो एवरीबॉडी, कच्छ कॉर्पोरेट के इस आज के एकदम एडवांस स्टेज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। खास करके आज हमारे चहेते ऐसे स्पीकर बसेस गालक जी को बुलाया गया है, उसके बारे में अगर कुछ बात करने जाऊं तो उसके उसकी बारी नहीं आ सकती है, उतना मेरे पास है। लेकिन वो न करते हुए सिर्फ आपसे चंद बातें बात करूंगा कि कल ही मुझे किसी ने पूछा कि ये स्पीकर तो आपके पास आ गया है तो क्यों बुलाया गया है। उनको मैंने जवाब दिया कि इनको हर महीने हर हफ्ते बुला सकते हैं, उसकी वजह है कि ये अपने आप को एवरी डे अपडेट रखता है। अपडेट रखने के साथ साथ जो भी घटनाएं आसपास में घटती है उसको एनालिसिस अच्छी तरह से करते रहता है, अच्छी तरह से करते रहता है। उसके बाद इसकी बिजनेस पे और आपके मानव जीवन पे क्या असर हो गए, ये ऑलवेज उसके बात सुनने के बहुत मजा आती है, मजा आती है। और उसको सुनने के बाद अगर उसी तरह से उसका जो कारण है निकाला है उसने निष्कर्ष उसके मुताबिक काम करते हैं तो आपको फेलियर का डर निकाल देना पड़ता है। तो ये सभी बातें हैं। और जो एक कहूँ कि टाइम्स मैगजीन के या फोर्ब्स मैगजीन पे कवर पेज पे आना इस एज में, अभी 35 अभी रिसेंटली पास किया है, 36 रनिंग है, तो ये आम आदमी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं होता है। और दूसरी बात कि अभी जो दो सिचुएशन आई पिछले 15 महीने से हम लोग फेस कर रहे हैं पेंडेमिक, उसकी वजह से जो बिजनेस पे मानव जीवन पे काफी ऐसी गहरी इम्पैक्ट छोड़ी है, जो अगर अपने आप को हर एक ने बदलाव किया है और बदलाव जिसने नहीं किया है, टेक्नोलॉजी को अपनाया है, टेक्नोलॉजी जिसने नहीं अपनाया है उसकी क्या हालत हो गई है हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और आने वाला जो 10 साल का समय काल है उसमें अगर चलने वाली चीजें तो एक ही है, वो टेक्नोलॉजी, और अपने आप को उसके ढांचे में ढालना सर्वाइवल के लिए या अपने प्रोग्रेस के लिए ये आवश्यक हो गया है। तो ऐसी हालत में हमको लोगों को मार्गदर्शन देने के बसेस गाला से बेहतर कोई मेरे हिसाब से कोई स्पीकर मिल ही नहीं सकता था। तो मैं आपसे इतना ही वादा कर सकता हूँ कि इसको सुन के इसकी नोट्स बना के आप अपने आप में जीवन में बदलाव करेंगे, आपको कभी भी पछताने का समय नहीं आएगा। इसी बात के साथ मैं आपका समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि आप ध्यान से सुनिए और आपके चंद मिनट के जो आप देंगे आज अपने आप के लिए वो आपके जीवन में काफी मायने रखेगा, ये मैं वादा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और फिर से एक मरतबा आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। थैंक यू अशोक भाई। मेरे लिए तो इट्स अ बिग प्रिविलेज टू बी इंट्रोड्यूसिंग माय एफपीजी, दैट इज माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। रबशेश ओवर द इयर्स हैज बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव हिम अगेन एट कच्छ कॉर्पोरेट फोरम। काफी मरतबे से मैं उनको बता रहा था कि भाई आपको कच्छ कॉर्पोरेट में आके एड्रेस करना है, और हमारी बहुत सारी after a lot of you know pushing, I guess now Bashesh is here so that you know our members and all our well wishers can listen to him. He has been gracious enough not to give me his complete introduction to complicate matters for me. नहीं तो शायद 5-6 पेजेस भर जाते थे,
So Bashesh has given a very short introduction, which I shall start. Bashesh Gala is an international award-winning business mentor and leadership coach. Of course, he doesn't need that introduction, but we have to do it. I believe a whole lot of our members and listeners know him very well. He's among the few jo Forbes India icon cover page pe aaye hain. That is a huge achievement, which मुझे मेरे हिसाब से तो और कोई कच्ची बिजनेस कोच इस पर नहीं आया है. हम लोग काफी मर्तबा उन्हें बीजी बुलाते हैं. द शॉर्ट फॉर्म इज नॉट बशेश गाला बट इट इज बिजनेस गुरु फॉर बिजनेस ग्रोथ. बीजी मीन्स बिजनेस गुरु एंड इट ऑल्सो मीन्स फॉर बिजनेस ग्रोथ. मल्टीपल टाइम्स ही हैज बीन अ टेडेक स्पीकर एंड no shorter than, let's say, the president of India, Dr. Kalam, and even the president of Mauritius, Mr. Vyapuri, has commended Bashesh's achievements. He's the founder of 39 Solutions Group, which has mentored more than 200 businesses and, believe me, 50,000 individuals. He's also the trustee on 39S Educate, Empower, Enlighten Foundation, which is a government-recognized NGO and which champions the cause of education and skill development of the needy. So without any further ado, I would call upon Bashesh to take over the proceedings. Thank you. Thank you, Jai Jinendra, and thank you so much. First of all, thank you everyone and welcome everyone ki aapne apna time nikala. And I hope the next 40 minutes will be very, very interesting. मैं इंग्लिश हिंदी का कॉम्बो रखूंगा एंड अ वेरी वेरी स्पेशल मेंशन टू केसीएफ एज अ प्लेटफॉर्म. जब मैंने अपना ये जर्नी इंडिया में स्टार्ट किया था तब सितंबर 2014 में फर्स्ट टाइम हमने डिजिटल एंगेजमेंट के बारे में बात किया था. 2017 में बिजनेस मैनेजमेंट और आज बिजनेस डिसरप्शन एंड जो टॉपिक है प्रॉफिट इन पैंडेमिक फ्लरिश और वैनिश. सो थैंक यू केसीएफ फॉर गिविंग अ प्लेटफॉर्म एंड गिविंग एन अपॉर्चुनिटी. इट्स माई ऑनर एंड प्रिविलेज. एंड मैं स्टार्ट करता हूँ. अगर आपके पास बीच में कोई भी क्वेश्चन है, वी विल हैव इनफ टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स. अगर कुछ अर्जेंट क्वेश्चन है तो यू कैन पुट इन द चैट विंडो, बट आई रिक्वेस्ट अगर सुपर अर्जेंट नहीं है तो यू कैन वेट. एंड विद दिस आई स्टार्ट टूडेज प्रेजेंटेशन. सो जस्ट अ क्विक चेक, आपको फुल स्क्रीन दिख रहा है? थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट. तो प्रॉफिट इन पैंडेमिक फ्लरिश और वैनिश ये टॉपिक लेने का बहुत ही सिंपल इंस्पिरेशन है बिकॉज वी आर गेटिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटर्स एवरीवेयर. काफी एसएमईज बोल रहे हैं कि आग लग गई है, वाट लग गई है. काफी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छा समय है. एक बार जो हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि यूनिकॉर्न्स एंड डेकाकॉर्न्स बन रहे हैं, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, क्रिप्टो करेंसी 10x 100x बढ़ रहा है. तो ये पूरा एनवायरमेंट जो वोलेटिलिटी का हो चुका है, ये पैंडेमिक भी है और वोलाटाइल एनवायरमेंट में है, और उसमें हम प्रॉफिट कैसे कमाए, उसमें हम ग्रोथ कैसे अचीव करें. सो लेट्स सी इंडिया का जीडीपी रेट जो ऑफिशियली फॉर्मल आया हुआ है, जो डेटा गवर्नमेंट वेबसाइट से हमें मिला है. 2019 ग्रोथ रेट वाज अराउंड 4%. पैंडेमिक के कारण 8% ड्रॉप हुआ है. दिस आर द ऑफिशियल डेटा. हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या हम इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं. और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर 21 एंड 22 इज ऑलमोस्ट 9.6% एंड 7%. तो ये एक्सपेक्ट करें कि इंडिया बहुत ज्यादा जल्दी बाउंस बैक करेगा, बहुत ज्यादा अच्छा रिकवरी करेगा. क्वेश्चन हम अपने आप से पूछे कि क्या मेरा बिजनेस 8 या 10% से गिरा है, क्या मेरा एबिटा कैश फ्लो सेविंग्स 8% से गिरा है, ज्यादा गिरा है, और ये डेटा मेरे लिए कितना रिलेवेंट है. और इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटर, 14 फेब 2020 पैंडेमिक के पहले निफ्टी था 12,000 के आसपास. जैसे ही पैंडेमिक स्टार्ट होता है 8,000 पे ड्रॉप हुआ है और ऑलमोस्ट डबल हुआ है विद इन 15 मंथ्स. अभी 15,700 के ऊपर है. तो क्या ये इंडिया ग्रोथ स्टोरी सिग्निफाई कर रहा है? ये जो मनी आ रहा है स्टार्टअप के पास, यू नो द मिलियंस एंड बिलियंस एंड इवन ट्रिलियन डॉलर्स ऑलमोस्ट, यूनिकॉर्न और नया टर्म मैंने सुना अभी डेकाकॉर्न, यू नो जो 10 यूनिकॉर्न्स का नेटवर्थ रखता है. तो ये स्टोरी कहाँ से आ रहा है? वेयर आर वी गेटिंग दिस ग्रोथ? और ये हमारे पास, हमारे कम्युनिटी में, हमारे बिजनेसेस में ऐसा हाइपर ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा है? क्या कुछ रियल पिक्चर है? आर वी मिसिंग समथिंग? तो इसका बहुत सिंपल एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया क्योंकि इंडिया में हाइपर ग्रोथ पॉसिबल है.
जो एक्सपेक्टेड 9% ग्रोथ है, 9.6%, वो दुनिया में कहीं पे भी एक्सपेक्टेड नहीं है. द ओनली कंपनी और द ओनली कंट्री विच कैन चैलेंज अस इन परसेंटेज टर्म्स इज चाइना. एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बहुत आगे, लेकिन परसेंटेज ग्रोथ में चाइना भी एक्सपेक्ट हो रहा है 8-10%. बट ये पैंडेमिक के बाद दुनिया का ट्रस्ट इंडिया पे बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया कंपेयर टू चाइना. देयर आर सम चैलेंजेस विच वी विल डिस्कस लेटर. लेकिन 37.6 बिलियन एंड लास्ट ईयर फिस्कल ईयर 21 में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैसा ऑन एन एवरेज बाहर निकाला है. उन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है बट पैसा बाहर निकाल रहा है. सो दिस ग्रोथ स्टोरी इज फ्यूल्ड बाय फॉरेन फंड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड बिग प्लेयर्स. इट इज नॉट फ्यूल्ड बाय देसीज, इट इज नॉट फ्यूल्ड बाय आवर ओन मनी. बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, जस्ट जून में ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ नेट इन्वेस्टमेंट हुआ है फॉरेन फंड से, 14,000 करोड़. और ये पैसा कहां से आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि किसी ने नल खोल दिया है और अनलिमिटेड पैसा है. एंड दैट इज फैक्ट, देर इज अनलिमिटेड मनी. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, देर इज अनलिमिटेड मनी. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. जैसे हमारा आरबीआई होता है वैसे यूएस का एक फेडरल बैंक होता है, जो एक QE, ये जो हम QE देख रहे हैं इसे हम क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम कहते हैं, जहां पे यूएस गवर्नमेंट अपना बॉन्ड्स निकालता है, लोन लेता है और ये बाय करता है. ये लोन बाय करने से यूएस गवर्नमेंट के पास कैश आता है. वो कैश से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों को वो सब्सिडी दे, बेनिफिट्स दे, किसको कुछ मिनिमम इनकम दे, फूड दे. लेकिन ये मेजर पैसा आता है बड़े बैंक्स के पास. और अब ध्यान से सुनना, मार्च 2020 में ये अप्रोक्सीमेटली 4 ट्रिलियन था. मार्च 2020 4 ट्रिलियन, और अब ये ग्रो हो चुका है ऑलमोस्ट 8.1 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट डबल इन लेस देन 15 मंथ्स. क्रेजी ग्रोथ. यानी इतना पैसा सिर्फ यूएस ने प्रिंट किया है. जर्मनी का स्टोरी सिमिलर है, जापान का स्टोरी. ऑल गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड आर प्रिंटिंग मनी, ऑल बैंक्स इन द वर्ल्ड आर प्रिंटिंग मनी, कि ये होप से कि ये पैसे से वो सब्सिडी दे पाए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो पैसा बड़े बैंक्स के पास जाते हैं, जहां पे आपको नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट पे 1%, 0.5% पर एनम, यस पर एनम, हम यहाँ पे महीने का सोचते हैं, वहां पे पर एनम पे बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स या इन्वेस्टर्स को वो पैसा मिल रहा है. सो वर्चुअली आपको बहुत सारा पैसा ऑलमोस्ट फ्री मिल रहा है. और ये मैक्सिमम पैसा इंडिया जैसे जगह में डाइवर्ट हो रहा है, जहां पे वो ज्यादा रिस्क नहीं देखते लेकिन ग्रोथ देखते हैं कि क्या ये कंपनी में ग्रोथ पॉसिबल है. कैन यू इमेजिन, आज तक Amazon ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कमाया एंड इट इज द सेकेंड और थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड. एज पर लेटेस्ट स्टैट्स एप्पल इज द मोस्ट वैल्यूएबल, सेकेंड माइक्रोसॉफ्ट है. ये दोनों ट्रिलियन डॉलर्स पहुंच गए. कुछ कुछ कंट्री ट्रिलियन डॉलर नहीं है. इंडिया इज एट करंटली 2.6 ट्रिलियन डॉलर, ये लोग ऑलरेडी 1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुके हैं. एंड Amazon इज लिटल लेस देन ट्रिलियन डॉलर. Apple and Microsoft are positive cash flow, लोगों ने positive profit बनाया. Amazon ने अब तक life में नहीं बनाया and it's almost $1 trillion. उसका rational है कि they are betting on growth. और उसे हम study करते थोड़े time पे. तो हम एक आपके लिए मैंने एक graph भी लाया है just to understand that ये 2008 है. जब भी दुनिया में crisis आता है, 2008 में जब Lehman Brothers bubble आया था, subprime crisis आया था, on an average दुनिया इंडिया में invest करता है मोटा मोटी. अभी भी 2011 का एक क्राइसिस आया है, सॉरी 2019 का क्राइसिस आया है, तो 2021 में, और यू कैन कीप यू नो सीइंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल इन्वेस्ट इन इंडिया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ होगा, यहाँ पे डिजिटाइजेशन हुआ है, लोगों के पास मोबाइल फोन है, सबके एस्पिरेशन है, तो यहाँ पे ग्रोथ है. तो ये बहुत मनी आ रहा है. इसलिए आप देखेंगे ना कि कुछ कुछ स्टार्टअप्स को 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ बोलने के लिए कितना ईजी है, बट दे आर रेजिंग मनी लाइक दिस. बट उसके पीछे भी एक सीक्रेट सॉस है. एंड आई टेल यू वन मोर फैक्ट. लास्ट ईयर जितने स्टार्टअप्स इंडिया में यूनिकॉर्न बने हैं, बहुत सारे बने हैं, ये साल भी बहुत सारे यूनिकॉर्न्स बने हैं, बट ओवरऑल परसेंटेज ऑफ फेलियर ऑफ स्टार्टअप्स इज आल्सो वेरी वेरी हाई. एमएसएमई तो स्ट्रगल कर रहा है लेकिन स्टार्टअप भी स्ट्रगल कर रहे हैं. ओनली द क्रीम आर ग्रोइंग एंड आर ग्रोइंग वंडरफुल. तो लेट अस स्टार्ट विद एमएसएमई फैमिली बिजनेस. मेरा दिल उनके लिए ज्यादा धड़कता है, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पर्सनल इमोशन भी है. तो एक इकोनॉमिक टाइम्स का स्पॉन्सर्ड सर्वे था जिसने फाइंड किया कि एमएसएमई में भी माइक्रो, अभी माइक्रो के दो डेफिनेशन है, एक इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर है. तो जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है माइक्रो, वो 99.4% है, बिग नंबर. फिर जो स्मॉल है दैट इज 50 करोड़ और लेस, वो 0.5% है. और 50 और 250 करोड़ के बीच में सिर्फ 0.1% है. यानी कहने के मतलब इंडिया में एमएसएमई तो बहुत सारे हैं, लेकिन एमएसएमई में भी माइक्रो आर डोमिनेटिंग 99.4%. अब रियल सर्वे,
हमने ग्रोथ स्टोरी तो सुन लिया, बट दैट ग्रोथ स्टोरी इज फ्यूल्ड ओनली फॉर यूनिकॉर्न्स, सुपर ग्रोथ, हाइपर ग्रोथ कंपनीज एंड फॉर बिग अपॉर्चुनिटीज। बट छोटे लोगों का क्या हो रहा है, जो चेंज नहीं हो पा रहा है, या जो एमएसएमई एफएमबी है उसका क्या हो रहा है? 82% हैव बीन सीवियरली एंड नेगेटिवली इंपैक्टेड बाय कोविड। 82% कुछ लोगों जो शायद मेडिकल में है, हर्बल में है, फूड में है, आयुर्वेदा में है, मेडिसिन में है, कि जिन्होंने मास्क और पीपी किया वो लोग ने रिकवर कर लिया कैश फ्लो, बाकी एवरीवन हैज स्ट्रगल्ड इन कोविड। एंड फॉर्चुनेटली वी हैव नाउ रियलाइज कि कोविड अब यहाँ ही रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो शायद लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 5 आए ना आए, आपके दो डोज हो गए तो थर्ड डोज, बूस्टर डोज, सुपर बूस्टर डोज, अब हमें एक्सेप्ट करना है कि कोविड यहाँ ही रहेगा। क्या हमारा बिजनेस कोविड प्रूफ है, या क्या हमारा बिजनेस कोविड ग्रोएबल है? हम ये अब नहीं सोच सकते कि कोविड इज गोइंग टू गो अवे, इट इज नेवर गोइंग टू गो अवे। जैसे सर्दी खांसी है वैसे कोविड रहने वाला है। तो आज से हमें जानना है कि इफ माई बिजनेस इज नॉट कोविड प्रूफ, हम क्या कर सकते हैं। 70% लोगों को अभी भी लगता है कि हमें और एक साल लगेगा। देखो हमारा सबसे बेस्ट कंफर्ट जोन कि हम थोड़ा वेट करते हैं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, और एक साल लगेगा। और उसमें मेजरली 42% ने बोला कि भाई हमें मार्केट में एक्सेस नहीं मिल रहा है, हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे हैं, दुकानें नहीं खुल रही है, हमारे लिए लॉजिस्टिक्स बहुत तकलीफ हो रहा है। 37% ने बोला प्रोडक्टिविटी चैलेंज है, प्रोडक्टिविटी चैलेंज यानी आदमी नहीं आ रहे हैं, मेरा टेक्नोलॉजी सेट नहीं है, मैं जितना आउटपुट निकाल सकता हूँ उतना नहीं निकाल पा रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम में मैं आउटपुट नहीं निकाल पा रहा हूँ। और सिर्फ 37% बोल रहा है भाई फाइनेंशियल कैश क्रंच बहुत ज्यादा है, लोन को भर नहीं पा रहा हूँ, लेवरेज बहुत ज्यादा है, मार्जिन्स नहीं हो रहा है, मैं खत्म हो रहा हूँ। सो स्टिल 70% फील वी विल नीड वन मोर ईयर एंड दिस इज वेरी वेरी टफ, बट अपॉर्चुनिटी। मेजर लोगों ने कहा है कि कोविड इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, हमको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, एक एक रुपया का हमें वर्थ और डिजिटाइजेशन, ये एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर दिया। जो चीज इंडिया में शायद 10 साल लगता, जैसे ये जूम कोविड के पहले हमें आइडिया नहीं था, वो एक साल में हो चुका है। इट हैज एक्सेलरेटेड डिजिटाइजेशन एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब आते हैं एक रियालिटी पे, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि भाई आग लगा है, चैलेंज है, प्रॉब्लम है। फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट भाई आग लगा है, क्योंकि अगर हम डिनाइल में रहेंगे कि नहीं अभी अच्छा और एक साल के बाद हम सुधरेंगे, मार्केट खुलेगा, आराम से जाएंगे, नहीं। इफ यू रियली रियली थिंक आग लगा है, तो मैं आपको अब, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू, आई एम गिविंग यू 1000 days रोड मैप। इरिस्पेक्टिव वेदर यू आर अ 50 lakh बिजनेस, आप 50 lakh का टर्नओवर है या 1000 crore का टर्नओवर है, यू फॉलो दिस स्टेप्स, ये मेरा प्रॉमिस है कि वो आग को आप ग्रोथ में कन्वर्ट कर दोगे। अगर आपको आग लगा है और अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, द फॉर्मूला इज आग, रेड फायर। और ये रेड फायर किसके लिए स्टैंड करता है, ये 7 steps को अगर आप फॉलो करोगे, यू विल बी कोविड प्रूफ, यू विल बी कोविड ग्रोएबल। ये क्या है रेड फायर, हम लोग देखते हैं। एक एक का वर्ड मैंने कॉइन किया है विथ रिसर्च, और मैं आपको हर एक स्टेप दूंगा। दिस इज माय 1000-day plan, 1000 दिन। अगले 3 साल पे अगर हम ये 7 steps को कंप्लीट कर पाए, या एटलीस्ट 4 कंप्लीट कर पाएंगे, यू विल सर्वाइव एंड यू विल ग्रो। अदरवाइज जैसे हमारा टाइटल था, हम फ्लरिश नहीं करेंगे, हम वैनिश हो जाएंगे। सो आर वी रेडी, लेट्स सी। आर इज रेलेवेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक, क्या मेरा बिजनेस मॉडल रेलेवेंट है आज के जमाने के लिए। अब मैं ये नहीं सोच सकता कि और 2-3 महीना ही मार्केट बंद होने वाला है, क्या आज के जमाने के लिए मेरा जो बिजनेस मॉडल है, मैं जिस तरह काम कर रहा हूं वो रेलेवेंट है। उसका मतलब आप ये भी सोच लो कि मैं जो इंडस्ट्री में हूँ क्या वो फेयर और ल्यूक्रेटिव है। अगर आपको लगता है कि पूरा इंडस्ट्री, जैसे अगर हम मोबाइल इंडस्ट्री में रहते थे, वो फेयर और ल्यूक्रेटिव नहीं है, तो वी हैव टू टेक अ टफ कॉल कि चाहे उसमें मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूँ और पार्टनर्स लूँ, या तो इसे बंद करूँ। बट टेक अ टफ कॉल टूडे, क्योंकि नंबर वन रीजन वाई मोस्ट एमएसएमईज फेल इज नॉट फाइनेंस, ये मार्केटिंग भी नहीं है, पार्टनर्स डिस्प्यूट भी नहीं है, आदमी भी नहीं है। नंबर वन रीजन कंपनीज फेल, स्टार्टअप्स फेल, एमएसएमई फेल्स इज टाइमिंग, समय अनुसार बदलना, समय अनुसार रेलेवेंट रहना। और स्टार्टअप्स के लिए या तो उनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अर्ली है, या तो प्रोडक्ट लेट है। राइट टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर सक्सेस। तो टेक अ डीप ब्रेथ, एक श्वास लीजिए और पूछिए क्या मेरा बिजनेस मॉडल राइट है। अब मुझे इमीडिएटली क्वेश्चन आएगा, बिजनेस मॉडल राइट है या नहीं है कैसे पता करें? बहुत सिंपल है, आस्क योरसेल्फ दिस 4 क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर वन, मेरा कस्टमर कौन है? और हमें लगता है कि मुझे पता है मेरा कस्टमर कौन है, बट नहीं, कस्टमर चेंज ओवर टाइम, उनके बिहेवियर, उनके मोटिवेशन, उनके ड्राइवर्स, उनका जो बोलता है एटीट्यूड चेंज होता है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मेरा समझो एक इंश्योरेंस ब्रोकर था फैमिली का, जो मेरे फादर को पिच करता था, वो अज्यूम करेगा कि भाई बसेश विलेश गाला फैमिली को मैं ही पिच करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि आज शायद कस्टमर मेरे फादर नहीं रहे, वो सेमी रिटायर्ड हो गए, आज कस्टमर मैं बन गया। और मेरे मोटिवेशन ड्राइवर अलग है, मुझे व्हाट्सएप पे सर्विस चाहिए, मुझे बेस्ट कॉस्ट चाहिए, मुझे फॉर एग्जाम्पल सर्विस चाहिए, वेर शायद मेरे फादर का मोटिवेशन क्या था, रिलेशन है, भरोसा है। तो योर कस्टमर हैज चेंज्ड, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज मेरा कस्टमर कौन है, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दो सॉल्व कर दिया तो आपका बिजनेस मॉडल राइट है, और अगर ये दो क्वेश्चन का आपको रियल आंसर नहीं पता है तो बिजनेस मॉडल में फ्लॉ है, उसको रेलिवेंट करो, चेंज योर बिजनेस, पिवट योर बिजनेस, ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, और वर्स्ट केस बंद करके रिबूट करो। Why are they paying me? वो मुझे पैसा क्यों दे रहा है? Because anytime when they are paying me, हम उनका कुछ problem solve कर रहे हैं या हम उनको कुछ delight या service दे रहे हैं। If I can figure out कि ये मेरे पास business क्यों दे रहा है, मुझे check क्यों दे रहा है, मुझे advance क्यों दे रहा है, I have to figure it out। अगर मैं वो figure out नहीं कर रहा हूँ तो आपका business राम भरोसे चल रहा है, जिसे retail में चल रहा था। But अगर आपने figure out कर लिया कि मेरे customer housewives है, अगर मैं एक नाश्ते का दुकान और वो मुझे इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि मैं ये एरिया में सर्विस दे रहा हूँ, उनको भरोसा है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स है वो अपने बच्चे के लिए सेफ है, टेस्टी है और न्यूट्रिशन वाइज ओके, अगर मैं वो फिगर आउट कर लेता हूँ तो मुझे मेरा स्ट्रेटेजी मिल गया। थर्ड क्वेश्चन, अब ये दो क्वेश्चन हमने कभी सोचा ही नहीं है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द स्टिकीनेस, वो रिलेशन, वो मैग्नेटिक रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। कस्टमर है लेकिन अगर आज ही अगर बाजू में एक नया दुकान खुल जाता है जो मेरे जैसा ही सेम सर्विस देता है, मेरे जैसा ही प्रोडक्ट देता है, तो क्या कस्टमर मेरे साथ स्टिकी है या स्टिकिंगनेस नहीं है? अगर स्टिकीनेस नहीं है तो मेरे स्ट्रैटेजी में, मेरे वैल्यू प्रपोजिशन में, ये दो को और एक्सप्लेन करूंगा आगे, उसमें कुछ फ्लॉ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे लगता है मेरा ये स्ट्रेंथ है, मेरा 100 साल का गुडविल है, मेरे जैसा क्वालिटी कोई नहीं देता, मेरे जैसा सर्विस कोई नहीं देता, लेकिन आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो डिफ्रेंसिएशन है, जो आपका यूनिकनेस है, क्या वो कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है और कस्टमर के नीड वॉन्ट्स को मर्ज कर रहा है? मैं आपको एक छोटा सा एक लाइट मोमेंट लेता हूँ। मैं आज तक मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को मिले रहेंगे, हम लोग नेटवर्किंग सेशंस में मिले रहेंगे, हम कोई इवेंट में मिले रहेंगे, वेबिनार में मिले रहेंगे, सभी कस्टमर्स को जब मैं पूछता हूँ या सभी बिजनेसेस को जब मैं पूछता हूँ, वो लोग एक ही चीज पूछते हैं जब मैं उनको पूछता हूँ कि आपके बिजनेस में अच्छा क्या है, सब बोलते हैं क्वालिटी, गुड क्वालिटी। ऐसा मुझे आज तक एक आदमी नहीं मिला, एक बिजनेस नहीं मिला जिसने नहीं बोला कि नहीं नहीं ये पुअर क्वालिटी। बट व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी, वो क्वालिटी क्या चीज है और वो क्वालिटी को कस्टमर से क्या फायदा हो रहा है? Till you don't figure that out, your business model is not relevant. तो ये सबसे important point है, पहला चीज, reality check. मैं जिस तरह काम कर रहा हूँ, मैं अपने customer को, B2B हो या B2C हो, मैं क्या दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, वो मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं, ये संबंध कितना गहरा है, और मेरा जो strength है, और ध्यान से सुनना, businesses that don't have strength will not survive. आपका स्ट्रेंथ ये हो सकता है कि मैं सबसे सस्ता हूं, मैं कुछ सर्विस नहीं दूंगा लेकिन मैं सबसे सस्ता हूं, तो आप सर्वाइव कर जाओगे। बट यू नीड टू हैव सम स्ट्रेंथ। मेरा जो स्ट्रेंथ है वो कस्टमर के लिए वैल्यूएबल होना चाहिए। आप बोलोगे फॉर एग्जांपल बसेज में बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये मेरा स्ट्रेंथ है, बट आई एम इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग, आई एम इन द बिजनेस ऑफ कोचिंग, वो स्ट्रेंथ कस्टमर के लिए वैल्यूएबल नहीं है। एज लॉन्ग एज बसेज भाई इज वेयरिंग क्लोथ्स, दैट इज इनफ। ओके, डिसेंट क्लोथ्स में गिव अ 5 मिनट्स एनहांस पर्सनलिटी इंप्रेशन, बट इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प योर बिजनेस। ये ध्यान से अगर आप लिख रहे हो तो नंबर वन लिखना कि मेरा ताकत क्या है, मेरे कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, और इस पे 2-3 दिन आप ब्रेनस्टॉर्म करो। ये 4 क्वेश्चन जिसके पास प्रॉपर आ गया, आपका बिजनेस मॉडल रिलेवेंट कर देगा, आपको नेक्स्ट 1000 डेज में पूरा रोड मिल जाएगा और आप हाइपर ग्रो करेंगे, हाइपर ग्रोथ, नॉट नॉर्मल ग्रोथ, क्योंकि अब ये जमाना नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल ग्रोथ की कोई कीमत नहीं। सो फर्स्ट इज रेलेवेंस, सेकेंड माई मोस्ट फेवरेट ई फॉर ईज, अब ये आराम का जमाना है, कन्वीनियंस इज सिंप्लिसिटी, बटन दबाओ सर्विस चाहिए, बटन दबाओ रिपोर्ट चाहिए। क्या आप या आपका बिजनेस ये ईज दे रहा है? क्या आपके बिजनेस से लोगों का टाइम बच रहा है? Amazon इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ ई कॉमर्स, Amazon टाइम बचाने में और कन्वीनियंस देने के बिजनेस में। अगर आपका बिजनेस B2B या B2C हो, सर्विस या प्रोडक्ट हो, कस्टमर्स का टाइम बचाता है, यू विल ग्रो। ईज,
लाइफ में आराम चाहिए, जो हार्डवर्क मेरे दादा करते थे शायद वो हार्डवर्क मेरे फादर नहीं कर रहे, जो हार्डवर्क मेरे फादर कर रहे वो डेफिनेटली ये जनरेशन नहीं करेगा और नेक्स्ट जनरेशन नहीं करेगा. दे वॉन्ट एवरीथिंग डिजिटाइज इजी कंफर्टेबल. सेकेंड एफर्ट, जो लर्निंग एफर्ट है उसको क्या मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्या. बायजूस, बायजूस ने क्या किया, एजुकेशन को सिंप्लीफाई किया बाय गिविंग शॉर्टकट. जैसे 12th के एग्जाम के लिए अगर हमें 18 घंटा पढ़ने की जरूरत थी, अब मैं अगर दो मॉड्यूल रिवाइज कर लो तो मेरे को 18 घंटे का कंसेप्ट आ गया. एंड बायजूस बिकॉज उसका टाइमिंग राइट था और वो लर्निंग एफर्ट को सिंप्लीफाई कर रहा है, इजी कर रहा है, इसलिए बायजूस इज अ डेकाथॉन, अ डेकाकॉन, सॉरी, यू नो 10 यूनिकॉर्न्स का वर्थ है बायजूस. एफिशिएंसी, टेस्ला, जैसे एनर्जी बचा रहा है, मेंटेनेंस बचा रहा है, एनीथिंग विच विल रिड्यूस माई कॉस्ट और क्रिएट अ बेटर इम्पैक्ट, वो ईज में आएगा. कम्फर्ट, बटन दबाओ घर बैठे बैठे, मुझे पाव भाजी खाना है, मुझे नेचुरल का आइसक्रीम खाना है, बटन दबाओ. कम्फर्ट एंड लास्ट डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, नेटफ्लिक्स. मेरे को कंटेंट कंज्यूम करना है. आज ऑन एन एवरेज यंग पीपल, और ये बहुत वंडरफुल स्टडी है, यंग ऑडियंस बिटवीन द एज ऑफ 14 to 19 स्पेंड 7 hours ऑन टिकटॉक. अभी टिकटॉक बैन हो गया, बट टिकटॉक लाइक फीचर्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब हो गया, 7 hours ऑन अ डे. दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से हम पहले बोलते थे ना 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा काम करो, 8 घंटा और कुछ करो. अब 8 घंटा आराम निकल गया, 7 hours ऑन रील्स बिकॉज दे वॉन्ट टू कंज्यूम कंटेंट. नेटफ्लिक्स पे अगर आप एक चालू करते हो एपिसोड, तो आप एक एपिसोड पे खत्म नहीं होते, आपको पूरा वो सीरीज कंज्यूम करना रहता है. अच्छा, अगर आपके बिजनेस में ये कुछ भी नहीं है, अगर आप कन्वीनियंस नहीं दे रहे हो, सिंप्लिसिटी नहीं दे रहे हो, एक्सपीरियंस नहीं दे रहे हो, ईज नहीं दे रहे हो, अगर आपके थ्रू टाइम, एफर्ट, एफिशिएंसी, कंफर्ट नहीं बच रहा है, तो आपके पास एक ही काउंटर है, या तो आप सबसे सस्ता बनो या मोनोपोली बनो कि भाई ये चीज मेरे अलावा आपको कोई नहीं देगा. अगर आप ये बोल सकते हो तो कस्टमर झट मार के आपके पास आएगा, या तो आप सबसे सस्ता रहो. आज भी आप क्राफर्ड मार्केट जाओ, वहां पर ये कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर सबसे सस्ता है तो भीड़ आज भी उधर है, मासेस आर ऑल्सो देयर. बट अगर आप सबसे सस्ता भी नहीं हो और अगर आप ईज भी नहीं दे रहे हो, यू आर अ सैंडविच, और सैंडविच खाया जाता है, सैंडविच रखा नहीं जाता, यू विल बी ईटन, यू विल बी वैनिश्ड. ये दिमाग में डाल दीजिए, आपके बिजनेस में कन्वीनियंस, ईज और सिंप्लिसिटी दीजिए, और अगर आप ये कंफर्ट एंड यूजर को नहीं दे रहे हैं, नहीं चलेगा, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग आ गए हैं. आप कुछ भी चीज को लो, सब डिजिटल हो गया, सब ईज और कन्वीनियंस हो गया है. अगर आपको नल भी रिपेयर कराना है तो आप अर्बन कंपनी में बुक कर सकते हो, बहुत सारे ऐप्स से बुक कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बुला सकते हो. लेकिन अगर आप समझो आप प्लम्बिंग कंपनी और आप इंसिस्ट करते हो नहीं मुझे कॉल करो मैं आदमी भेजूंगा, वो जमाना गया. बटन बुक करो, टाइम स्लॉट बुक करो, आदमी आता है, डिजिटाइज एक्सपीरियंस देके सॉल्व करके जाता है, एंड पीपल आर विलिंग टू पे, पीपल आर विलिंग टू पे टू गेट ईज. तो ये मेरे रेड फायर का ईज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. काफी लोग सबसे सस्ते भी नहीं है और इजी भी नहीं देते, बीच वाले हैं, सैंडविच, दिल गेट फ्लरिश, वैनिश्ड, डिजिटल. इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज मैंडेटरी. डिजिटल का मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं है, डिजिटल का मतलब क्या है मैं आगे बोलूंगा, कि आपके पास डेटा होना चाहिए, और अगर आप डिजिटल नहीं है आज तो यू आर टू लेट. सबसे वन ऑफ द बेस्ट कोट्स जो मेरे एक ऑथर ने, मैं जिसे बहुत मानता हूं, उन्होंने कहा था कि एंटायर वर्ल्ड इज ऑन मोबाइल, योर बैंकिंग, योर एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल. और अगर आपका बिजनेस मोबाइल पे नहीं आया, व्हाट्सएप पे भी नहीं है, SMS पे भी नहीं है, अगर आप अपना बिजनेस मोबाइल से मैनेज नहीं कर सकते, यू आर अ डायनासोर, यू विल वैनिश. तो अगर नहीं है तो आप आज से स्टार्ट करो. देयर कुड बी फ्यू एक्सेप्शंस, बट यू नीड टू जस्टिफाई एक्सेप्शंस. डिजिटल का मतलब क्या है कि पूरा डेटा होना चाहिए. काफी बिजनेसमैन को मैं पूछता हूँ, रिटेलर्स को, आपके पास इन्वेंट्री कितना है, अंदाज से 18 लाख. अंदाज का जमाना गया, यू नीड एक्यूरेट डेटा. Dmart works on very very few margins, but because it has data and high inventory turnover, it's such a valuable giant. And RK Damani is top 10 richest person in India. Or you need analysis. Digital का मतलब आपको data अच्छे से accurate and fast मिलेगा और आप analyze कर पाओगे. And last, जितना आपकी company में systems में कम paper वापरा जाएगा, उतना आप ज़्यादा successful होंगे. बहुत छोटा point है, but बहुत powerful point है. आप खाली एक आदमी को लगा दो कि आपके कंपनी में कितना पेपर वर्क हो रहा है, राइट फ्रॉम राइटिंग अ चेक, नोट से लेके स्लिप, जितना आप जीरो पेपर के मूवमेंट स्टार्ट करेंगे उतना आपका काम होगा. और मैनेजमेंट के सबसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन. जिस कंपनी में 3 C सॉर्टेड है वो कंपनी हमेशा ग्रो करेगा, सस्टेन करेगा. डिजिटल क्लैरिटी यानी आदमी को क्या काम करना है, कैसे करना है, उसका SOP से लेके गोल्स और विजन डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए. कम्युनिकेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल,
एक्सटर्नल तो डिजिटल मार्केटिंग है, ईमेल है, ब्लॉग्स है, लिंक्डइन है, इंटरनल भी कम्युनिकेशन गोल शीट है आपका, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जूम है, आप कितना डिजिटल कर रहे हैं, लास्ट इज कोऑर्डिनेशन, कौन कैसा काम कर रहा है, एफिशिएंसी क्या है, मेजरमेंट क्या है। जब तक ये तीनों चीज आप डिजिटल ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, यू विल यू नो बिकम अ डायनासोर एंड यू विल वैनिश। और अगर आप ये तीनों चीज प्रॉपरली कर रहे हो अलोंग विद आर एंड ई विच इज रेलेवेंस बिजनेस मॉडल एंड ईज, यू विल स्टार्ट ग्रोइंग। सो टिल दिस हमने रेड देखा है, रेलेवेंस, क्या मेरा बिजनेस मॉडल रेलेवेंट है, क्या मैं ईजी दे रहा हूं, मैं कन्वीनियंस दे रहा हूं, क्या मैं डिजिटली इक्विप्ड हूं। अब आते एफ, F for finance, okay? और अब बहुत important है, discipline is a must। आपको एक चीज में शो करना हो, इवेंट का नाम था प्रॉफिट इन पैंडेमिक, लेकिन प्रॉफिट से भी बढ़कर एक चीज है कैश फ्लो। मेरे बुक्स पे 3 crore का प्रॉफिट है लेकिन कलेक्शन ही नहीं आ रहा है, उसका क्या मतलब है? एक्चुअल कैश फ्लो, कैश इज किंग, फोकस ऑन योर कैश फ्लो एंड ब्रेक इवन एंड बजटिंग। मैं जितने खास करके माइक्रो बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस में तो कंपलसरी होता है, बट आपको आपका ब्रेक इवन पता होना चाहिए कि मेरे खर्चे को पूरे करने के लिए मुझे 2 crore का टर्नओवर करना है। और हसल, अपना सिर फोड़ दो, जान दे दो, और वो 2 crore 4-5 महीने में हासिल कर दो, तो अगले 6-7 महीने आप जो भी कमाओगे वो प्योर प्रॉफिट होगा। बट आपको पता होना चाहिए कि मेरा ब्रेक इवन सेल कितने मार्जिन पे आएगा। एंड सेकेंड, बजट, आपके ऑफिस में भी बजट होना चाहिए और आपके घर में भी बजट होना चाहिए। उसका रीजन, हमने 300 एंटरप्रेनर्स का इंटरव्यू लिया था एंड वी फिगर्ड आउट कि लास्ट 3 साल में वर्किंग कैपिटल क्यों डिस्टर्ब हुआ था। इसका एक सीक्रेट, ये इनसाइट आपको शायद और किधर नहीं मिलेगा, इस कि बिजनेस में कैश फ्लो घूम रहा था, बिजनेस सबके बढ़ रहे थे लेकिन लोगों ने उसमें कैश फ्लो इंफ्यूज नहीं किया। फिर बिजनेस स्लो डाउन हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया था, हर एक एंटरप्रेनर ने अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा दी। जिसके पास एसी नहीं था उसने एसी लगा दिया, जिसके पास मारुति था उसने होंडा ले लिया, जिसके पास होंडा था उसने बीएमडब्ल्यू ले लिया, जो डोमेस्टिक घूम रहा था वो इंटरनेशनल घूमने लग गया। तो हर एक इंसान की लाइफस्टाइल बढ़ गई, विच इज नॉट बैड, विच इज गुड, इसमें हम कोई जज करने वाले नहीं है। लेकिन जब वापस बिजनेस डाउन हो गया, कलेक्शंस डाउन हो गया, लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी डाउन नहीं की, और इसके कारण क्या हुआ, लोग अपने बिजनेस से अपनी लाइफस्टाइल फील करते थे। भाई मैंने कहा मेरे को 2 lakh उछल तो लगेगा ही अपने बिजनेस से, भले बिजनेस में वो कैश फ्लो है कि नहीं है, सीसी अकाउंट है, ओडी अकाउंट है, अरे ये पेमेंट आ रहा है वेंडर को बाद में देंगे। बट वो लाइफस्टाइल कम नहीं हुआ, उसके कारण वर्किंग कैपिटल और स्क्रू हो गया एंड इसके कारण काफी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आए। एंड सेकंड बिगेस्ट रीजन, और ये आप लिख लो, और ये मेरा सबसे बड़ा फाइट है, मैंने आपको जो स्टार्टिंग का स्लाइड लिखा था वापस तेरा भूल यू नो आपसे शेयर करना मैं भूल गया था, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ बिजनेस अनलेस यू आर फुल टाइम इन इट। मैं आज इतने लोगों को देख रहा हूं अपने बिजनेस को छोड़ के स्टॉक मार्केट में। यही सेम चीज 5 साल पहले हमारे और बाकी कम्युनिटीज में हुआ था कि रियल एस्टेट में हाइपर ग्रोथ है तो लोगों ने अपने कोर बिजनेस को छोड़ के रियल एस्टेट में एंटर किया। मैं आज वही ट्रेंड देख रहा हूँ, लोग अपने कोर बिजनेस को छोड़ के, उनको लगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, और स्टॉक मार्केट में हाइपर ग्रोथ आ रहा है तो उनका पूरा अटेंशन वहां पे जा रहा है। खुदा ना करे लेकिन जिस दिन करेक्शन आएगा या फॉल आएगा, वी शुड ऑलवेज बी वरीड कि मैं वहां पे जो पैसा डाल रहा हूँ क्या वो मेरा लिक्विडिटी पूल से जा रहा है, वर्किंग कैपिटल से जा रहा है, मेरे इन्वेस्टमेंट पेंशन से जा रहा है, या वर्स्ट केस लोग तो बोरो करके भी स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, डिसिप्लिन इज मस्ट। एंड सेकेंड, आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट करिए, डोंट मेक स्टॉक मार्केट योर बिजनेस अनलेस इट्स योर फुल टाइम बिजनेस। ओके, दिस इज द बिगेस्ट मैसेज एंड कंसर्न फॉर अ लॉट ऑफ यूथ्स, क्योंकि एक बार उनको वो कंफर्ट की जिंदगी आ गया कि बटन दबा के मुझे दिन का 10,000, महीने का 2 lakh 3 lakh मिल रहा है, फिर कोई थोड़ी जॉब या हार्डवर्क करने वाला है। एंड स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज लाइक अ साइकिल, इवन दो इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी, कभी ना कभी ऊपर नीचे होगा, नो वन कैन प्रेडिक्ट, एंड दैट इज द बिगेस्ट टफेस्ट थिंग विच आर कम्युनिटी एंड एवरीवन एल्स कैन फेस। ये स्टेप मैं डे 1 से बोल रहा हूं, जब से कोविड स्टार्ट हुआ था, कि एसोसिएशन, अगर आप रिटेल में हो तो रिटेल एसोसिएशन, आप रियल एस्टेट में हो तो क्रेडाई में, एसोसिएशन में यूनिटी रखो, कॉम्पीट करो लेकिन यूनिटी रखो, स्टार्ट आस्किंग फॉर एडवांसेज और फेयर टर्म्स। खास करके टेक्सटाइल में अब ये हम करेक्शन देख रहे हैं कि जो 6 महीना 7 महीना क्रेडिट पीरियड पास का था, करंट में वो एटलीस्ट 15 days 7 days 21 days आ गया है कि पेमेंट आएगा फिर ही माल डिस्पैच होगा। और कुछ ऐसे ब्लैक शीप रहेंगे कस्टमर्स या वेंडर्स जो सबको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो डर क्या रहता है कि मैंने इसको माल नहीं दिया
तो और किससे माल लेगा, लेकिन अगर उसका पेमेंट अब सबसे खराब है तो एसोसिएशन में यूनिटी करके उसको बैन कर दो कि इसको हम कोई सप्लाई नहीं करेंगे, उनको झक मार के भी फेयर पेमेंट देना पड़ेगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल बिजनेस है या आपके पास कुछ इन्वेस्टेड लिक्विडिटी वेल्थ है, वॉर चेस्ट रखो। वॉर चेस्ट इज अ बिग एडवांटेज। आज बायजूस को अगले 3-4 साल कोई टच नहीं कर सकता बिकॉज इट हैज अ वॉर चेस्ट। एनी गुड स्टार्टअप इट विल अक्वायर एट एनी प्राइस। आप देखो ना 10 करोड़, 100 करोड़, 500, वो वॉर चेस्ट के कारण वो अपना ग्रोथ फ्यूल करेगा। या तो आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल रखो कि आपको इन्वेस्टमेंट मिले। याद रखना मेरा पहला स्लाइड, नल खुला है, पैसा फ्लो हो रहा है, बट अगर आप मेरा रेड स्टार्टिंग के RAD अगर आप मेरा इंप्लीमेंट फॉर्मूला करोगे तो इन्वेस्टर्स आपके पास आएंगे, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू टेक इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास वॉर चेस्ट नहीं है तो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ चलना है। यू कैन नॉट डू बोथ। मेरे पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर नहीं है और मेरे पास वॉर चेस्ट भी नहीं है तो हम खत्म हो जाएंगे। या तो वॉर चेस्ट रखो या तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत अपना मार्जिन पे, वर्किंग कैपिटल पे रखो। लास्ट FIRE और 3 पॉइंट है, आईज फॉर इनोवेशन। हमने बहुत सुना इनोवेशन के बारे में, मैं आपको इनोवेशन का शॉर्ट में 3 कैटेगरीज बोलता हूँ। There are 10 types of innovation, but 3 categories. First is your product innovation. कि आप AC बनाते हो तो 5-star AC से inverter AC लाए, कि product के अंदर innovation, जिसे हम offering कहते हैं product performance. Second is product system innovation, यानी जहाँ पे आप AC के साथ अब आप cooler बेचते हो, AC के साथ tower fan बेचते हो, AC के साथ tower AC बेच रहे हो, आप अलग category बना रहे हो। तो innovation सिर्फ products में नहीं होता। हम हमेशा सोचते हैं innovation यानी हमें कुछ product में करना चाहिए, नहीं। ये तो सिर्फ 2 टाइप है। इनोवेशन आपके प्रोसेस में आ सकता है, इनोवेशन आपके स्ट्रक्चर में आ सकता है। आप अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन दीजिए, एम्प्लॉयज को वर्किंग पार्टनर बनाइए, तो अगर आपका नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो उसको LLP में कन्वर्ट करिए। इनोवेशन आपके नेटवर्क में आ सकता है, और इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल मेरे पास आगे है। आप सोच नहीं सकते कि बड़े बड़े कंपनीज ने अपने वेंडर्स के साथ कैसे इनोवेशन किया है। इनोवेशन आपके पूरे फाइनेंस में आ सकता है। आपको सोच के और जान के हैरानी होगी कि 2018 में रिलायंस हैज स्टार्टेड यूजिंग ब्लॉकचेन। जब ब्लॉकचेन इतना फेमस नहीं था, 2018 और 19 में रिलायंस ने ब्लॉकचेन यूज करना चालू किया। जो एक्सपोर्ट पेमेंट होता है वहां पे आपको एक LC लगता है, लेटर ऑफ क्रेडिट लगता है। टिपिकली LC टेक्स एनीवेयर बिटवीन 5 to 10 days। रिलायंस हैज स्टार्टेड यूजिंग ब्लॉकचेन फॉर LC पेमेंट्स, व्हिच टेक्स लेस देन 1 second एंड कॉस्ट 0 rupees इफ यू सेट इट अप राइट। Whereas LC का आपको कॉस्ट पता है, बैंक चार्जेस क्या है। तो इनोवेशंस हो रहे फाइनेंस में। गो मीट पीपल, सीख आपके लिए क्या रिलेवेंट है और वो फाइनेंशियल इनोवेशन लाइए। एंड लास्ट सेगमेंट ऑफ इनोवेशन इज एक्सपीरियंस। ये जमाना अब ईज, कंफर्ट और एक्सपीरियंस का है। आप कस्टमर के साथ कैसे बात करते हो, कैसे एंगेज करते हो, बहुत जरूरी है। आपका ब्रांड कस्टमर के साथ इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक रील्स पे, लिंक्डइन पे, ब्लॉग्स पे कैसे एंगेज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कैसे कैसे इनोवेशन हो रहा है, इसका भी एग्जांपल हम आगे देखेंगे। और लास्ट इज सर्विस, आपकी सर्विस में क्या क्या इनोवेशन दे रहे हो। जो कंपनी कंटिन्यूअसली इनोवेट नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा। ओके, सो दिस आर डिफरेंट इनोवेशंस। लास्ट टू फॉर्मूला इज R इज फॉर रैपिड ग्रोथ। आपको रैपिड ग्रोथ चाहिए, सुपर फास्ट ग्रोथ, नॉट नॉर्मल ग्रोथ। इट इज द ओनली केस वेयर प्रॉफिट कैन बी इग्नोर्ड। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, 3 महीने का फेस भूल जाओ, 6 महीने का फेस भूल जाओ, but beyond 6 months if you are not generating profit you need to generate rapid growth. agar rapid growth bhi nahi hai, profit bhi nahi hai, to aap business model ko tweak karo, nahi to aap vanish ho jaoge. rapid growth ka matlab month on month 5% 10% not annual, month on month. and it is a market share game jo hum swiggy aur zomato ka dekh rahe hain. swiggy, zomato, amazon, uber, ye sab ko rapid growth ke liye paisa milta hai. ki aap paise ki chinta mat karo, hamare paas nal hai, hum nal ka pipe laga ke aapko divert kar rahe hain. आप लोगों के बिहेवियर्स को चेंज करो। किसी को आदत नहीं था ऑनलाइन मंगाना, ऑनलाइन का आदत हो गया है। किसी को उबर का आदत नहीं था, हो गया है। खाने का आदत नहीं था तो जोमैटो स्विगी हो गया है। आप बिहेवियर्स को चेंज करो। काफी मूवीज अब नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे आ रहे हैं। आदत, बिहेवियर चेंज करो, डिस्टर्ब करो। और अगर आपको रैपिड ग्रोथ चाहिए तो आपके एग्जिस्टिंग सेटअप में नहीं होगा। यू नीड टू बी एजाइल एंड यू नीड टू हैव अ स्टार्टअप कल्चर। ये ओनली केस है वेयर प्रॉफिट कैन बी इग्नोर्ड, अदरवाइज यू कैन नॉट इग्नोर प्रॉफिट। एंड लास्ट इज एक्सीलेंस। हर काम जो करते हैं उसमें एक्सीलेंस चाहिए। मीडियोकर चलता है वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। एक कंपनी एक्सीलेंट है, उसका टेस्ट कैसे है, जैसे मैं ब्लड टेस्ट कर सकता हूँ, हार्ट का टेस्ट ECG निकाल सकता हूँ, कंपनी एक्सीलेंट है उसका 3 टेस्ट है कि कंपनी में कंटिन्यूस कुछ ना कुछ एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट आ रहा है। सेकेंड, कंपनी के अंदर जो ग्रोथ के सजेशंस है वो टॉप लेवल से नहीं आ रहा है, बॉस नहीं दे रहा है,
बॉटम लेवल से आ रहे हैं, वर्कर्स दे रहे हैं, मैनेजर्स दे रहे हैं, एंड थर्ड कंपनी इज रन बाय अ कोर टीम, कंपनी इज रन बाय अ बोर्ड, कंपनी इज रन बाय अ स्ट्रक्चर, नॉट थ्रू बॉस. अगर आप कंपनी रन कर रहे हो तो यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड. आपको आज से जर्नी स्टार्ट कर रहा है 1000 डेज कि आप लीडर्स कटप्पा लाओ और उनको थोड़ा इन्वॉल्व करो कंपनी चला रहे हो. और अगर आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, दो सजेशंस दूंगा आपको, और ये दोनों सजेशंस आपको गारंटेड बहुत लाइफ में काम करेगा. हम हमेशा सुनते हैं बिल गेट्स बहुत लकी इंसान है, वो हर घंटे का लाखों करोड़ कमाता है, अगर 500 रुपए का नोट नीचे गिरा तो वो उठाता नहीं है, बट ये सब बकवास बात है. बिल गेट्स रीड्स 80 बुक्स अ ईयर, 80 बुक पढ़ता है साल का, 80 बुक लर्निंग एंड रीडिंग. खास करके अभी के जमाना इतना फास्ट डिस्टर्ब हो रहा है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं पता, अगर आपको AI नहीं पता, अगर आपको ब्लॉकचेन नहीं पता, डिस्ट्रप्शंस नहीं पता, लर्न रीड बी पार्ट ऑफ सच KCF वेबिनार्स, लोगों से मिलो. एंड सेकेंड आपका सर्कल, आपका सर्कल कैसा है वो आपको डिटरमाइन करेगा. आप जिस 5 जन के साथ टाइम स्पेंड करते हो आप वैसे बन जाओगे. तो चेक करो कि मेरा सर्कल कैसा है, क्या मेरा सर्कल ग्रोथ वाला है जो मुझे चैलेंज करेगा, पुश करेगा, जो लर्न करते हैं, फिजिकली फिट है, फाइनेंशियली एक्टिव है, या मेरा सर्कल एकदम टाइम पास मस्ती वाला है. हैव अ फन सर्कल बट हैव अ ग्रोथ सर्कल आल्सो, बहुत जरूरी है. ऐसे 5 या 7 जन से रहो जो आपके मेंटर्स हो सकते हैं, बडीज हो सकते हैं, जो आपको पुश कर सकते हैं. जैसे मेरे ग्रोथ सर्कल में आई एम वेरी लकी टू हैव फिलिप सर, आई एम वेरी लकी टू हैव अशोक भाई जी, तो दे पुश मी, दे चैलेंज मी. वो लिटरली हमें पुश करते हैं, हम एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, इनोवेशन आइडियाज मिलता है. सो हैव अ गुड सर्कल. सो विद दिस मेरा ज्ञान सेशन खत्म हो गया, रेड फायर. मैं अब आपका परमिशन रहेगा तो आई टेक मोर 5 मिनट्स और मैं आपको कुछ केस स्टडीज देना चाहता हूँ, छोटे बिजनेसेस जिन्होंने ये कोविड में रेड फायर अपनाया है और आगे बढ़ा है. फर्स्ट कंपनी इस बैंगलोर का कंपनी 10x10, छोटा कंपनी है, डिजाइन करता है स्पेस डिजाइन, लैंडस्केप डिजाइन, ग्रीन डिजाइन. जब कोविड स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बोला यार अभी तो कौन डिजाइन कराने वाला है, घर पे बैठते आराम करते हैं. नहीं, उन्होंने रियलाइज किया कि कोविड स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट से या एयर से, और बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है कि हम ऐसा कुछ क्वारंटाइन को इजी करने के लिए कुछ कर सके. तो उन्होंने डिजाइन किया आइसोलेशन पॉड, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आइसोलेशन पॉड, एंड दिस वाज डिजाइन्ड इन द फर्स्ट फेज ऑफ कोविड. ये आइसोलेशन पॉड 208 प्लास्टिक बॉटल से बनता है, यानी ड्यूअल एडवांटेज है कि रिसाइकल को भी सपोर्ट करता है. और ये लॉन्च करने के बाद उनको इतना PR मिला, इतना PR मिला आइसोलेशन पॉड से, तो उन्होंने 2 करोड़ रुपए कमाए. स्मॉल कंपनी, जब पूरा दुनिया बंद पड़ा था इन्होंने 2 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन आज की तारीख में बिकॉज दे डिड अ गुड जॉब इन कोविड इनको इतना PR मिला कि आज उनके इतने सारे वर्टिकल और ऑफिसेज है और वो हाइपर ग्रोथ पे है. तो मेरा जो रेड फायर फॉर्मूला में था उसमें वो रेलेवेंट पे है, उन्होंने इजी कर दिया इसको यूज करने के लिए, इनोवेशन भी है और एक्सीलेंस भी है. रेड फायर में से 4 चीज इंप्लीमेंट किया एंड दे आर ऑन द यू नो ग्रोथ पाथ. आप या यू हैव रेज्ड योर हैंड, आई हैव सीन कपल ऑफ पीपल रेजिंग हैंड्स. लेट मी कंप्लीट केस स्टडी, 5 मिनट दीजिए एंड आई विल कम टू यू. ओके, सेकेंड केस स्टडी श्री शक्ति एंटरप्राइज, ट्रेडिशनल कंपनी है, बहुत फैमिली बिजनेस है. दे वर इन्वाइटेड टू बी पार्ट ऑफ वॉलमार्ट इंडिया. वॉलमार्ट इंडिया का एक वृद्धि करके प्रोग्राम है जहाँ पे MSME को वो लोग ट्रेन करते हैं कि वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाए और वहां से एक्सपोर्ट हो सके. अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, वृद्धि प्रोग्राम. उनका टारगेट है 50,000 MSMEs को एम्पावर करना. आई नो देम वेरी वेरी वेल, सो यू कैन रीच आउट टू मी ऑल्सो. तो वृद्धि प्रोग्राम के कारण क्या है, आपको वॉलमार्ट इंडिया में भी माल बेचने का मौका मिलेगा और अब्रॉड में भी माल बेचने का मौका मिलेगा इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर. तो 2019 में इनका सेल 140 करोड़ का था, 40% ग्रोथ था, 500 एम्प्लॉइज था, दे हैड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे पॉट है, पैन है, किचन यूटेंसिल्स है, वो लोग किचन में थे. कोविड आया, उन्होंने फैक्ट्री शट कर दिया. 1 महीना 2 महीना शट होने के बाद इन्होंने बोला कि सब फैक्ट्री बंद, हम जो कर रहे हैं बिजनेस मॉडल मेरा आज के तारीख के लिए रेलेवेंट नहीं, आज के लिए तारीख के लिए हेल्थ रेलेवेंट है. तो वो लोग ने टेक्नोलॉजी बेस्ड कोविड प्रोडक्ट्स बनाना चालू कर दिया, सेंसर बेस्ड सैनिटाइजर्स, हैंड फ्री वॉश सिस्टम, फूड सैनिटाइजर्स, और ये प्रोडक्ट है ऐसा, ये प्रोडक्ट बनाने चालू कर दिया. उसके कारण उनको फर्स्ट लॉकडाउन में ही बड़े बड़े कंपनी 850 PO मिल गए और 1 करोड़ 15 लाख का ऑर्डर लॉकडाउन मान में कमा लिया. ability to have relevance, मेरा business model relevant नहीं है, change करो, इसको बनाए बहुत easy, automatic बना दिया, innovation कर दिया, excellence कर दिया, ठीक है? Two more case studies, बहुत interesting है. वर्कशाला, वर्कशाला is a co-working space, real estate, जगह है जहाँ पे startups के लोग share कर सकते हैं, जैसे WorkCamp है, WeWork है, पर है बहुत सारे है. COVID में धंधा बंद है, मैं revenue कैसे कमाऊंगा? ये लोग ने बोला भाई हम revenue कमाएंगे.
लोगों ने फाइंड किया कि एक नया ब्रांड लॉन्च किया होम्सकेप, और होम्सकेप में फाइंड किया कि जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके पास राइट डेस्क नहीं है, राइट चेयर नहीं है, उनको कंफर्ट नहीं मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रहा है। तो वो लोग ने एक नया प्रोडक्ट रेंज निकाला जो उनके खुद के कोवर्किंग स्पेस में था, टेबल्स चेयर्स, उसको और भी सप्लाई करना चालू किया, और बड़े बड़े कंपनीज को सब्सक्रिप्शन मॉडल दिया कि आप अपने एम्प्लॉयज के लिए 6 महीने का रेंट पे ले लो, 3 महीने रेंट पे ले लो, और इंडिविजुअल वो लोग ने सेल करना चालू कर दिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेकेंड वीक ऑफ लॉकडाउन दे स्टार्टेड, सेकेंड वीक ऑफ लॉकडाउन, देखो स्पीड। और ये करने के कारण उनको एक ही कंपनी ने 2000 रेंट ले लिया, 2000 उनके यूनिट्स सब्सक्रिप्शन मॉडल 6 महीने के रेंट पे ले लिए। सो इफ यू लुक एट दिस, दे आर डिजिटल, क्योंकि आप ऐप से बुक कर सकते हो, उनका बिजनेस मॉडल रिलेवेंट हो गया, क्योंकि कोई वर्क स्टेशन पे आएगा नहीं, कोई कोवर्किंग स्पेस में आएगा नहीं, लेकिन सबको एक अच्छा टेबल, अच्छा चेयर तो चाहिए कंफर्ट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। वेरी इजी टू ऑर्डर, इनोवेशन है और एक्सीलेंस, तो रेड फायर का फॉर्मूला यूज हो गया। नाउ क्विज टाइम, मैं चैट देखूंगा एंड हूएवर गिव्स हिज राइट आंसर दे विल गेट अ प्राइस। कंपनी विद हाईएस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर इन इंडिया, इट कुड बी एन फॉरेन कंपनी, इट कुड बी जोमैटो और अमेजोन, एनी फॉरेन कंपनी, इट कुड बी एन इंडियन कंपनी, बट कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया विच हैज द बेस्ट एक्सपीरियंस स्कोर, जो बेस्ट है कस्टमर एक्सपीरियंस, एनी वन, आई एम वॉचिंग द चैट, सो इफ यू आंसर्स लेट मी नो। Uber, someone is saying Uber, Jay Ramya ने Uber कहा है, किरण जी ने Amazon कहा है, किंजल ने Tesla, so we are getting a lot of Tesla, Amazon, American Express, D-Mart, okay, Ola, Sachin Sangwai said, Chirag has said Apple, okay, so I think we have got good engagement, good answers, real answer, okay? Coovs, Coovs.com has the highest customer experience and engagement score, beating Flipkart and Amazon for second rank. ये फर्स्ट आया है, कूव्स, नाम भी शायद सुना नहीं रहेगा, इज अ फैशन रिटेलर टारगेटिंग यंग अर्बन मिलेनियल्स, जो 14 साल 19 साल 20 साल के हैं, 2000 के बाद जन्मे हुए हैं, उनको और सिटी के अर्बन मिलेनियल्स को जानते हैं। बसेज गाला कूव्स को जानते नहीं, क्योंकि वो उसका कस्टमर नहीं है, वो उसका टारगेट भी नहीं है, दे विल नॉट इवन स्पेंड मनी टू इन्फ्लुएंस मी और इवन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इनका स्ट्रेंथ क्या है कि वो इंडियन और इंटरनेशनल डिजाइनर्स, ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स को रखते हैं और वहां से डिजाइन बनाते हैं। एंड सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इज 4 हफ्ते में नया कलेक्शन, नथिंग स्टेल, इनोवेशन, फास्ट, कोई पुराना कलेक्शन नहीं। दे गॉट द हाईएस्ट सीएक्स स्कोर बेस्ड ऑन फॉरेस्टर इंडिया सर्वे, और उनके सीएक्स स्कोर के ज्यादा होने से कारण रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन ज्यादा है, कस्टमर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। देखो आप 4 वीक्स में नया कलेक्शन करते हो तो मोस्ट लोग बोलते हैं कि चलो नया कलेक्शन में क्या है, देखते हैं, नहीं होगा तो रिटर्न ले लेंगे, बट वो कंफर्ट देने के कारण हर एक कस्टमर जो पहले 2000 खर्चता था अब शायद 3000 खर्चता है, 4000 खर्चता है। एंड इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज कंपनी, 2019 में 53 करोड़ का रेवेन्यू था, स्मॉल कंपनी, लेकिन बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस दिया और आज उसको पीआर, न्यूज और ग्रोथ अच्छा मिल गया। और रेड फायर का सब प्रिंसिपल फॉलो करता है एक्सेप्ट आर, ओके, सो सी इफ यू फॉलो द प्रिंसिपल्स यू आर इन हाइपर ग्रोथ। लास्ट केस स्टडी आईटीसी, आईटीसी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, हर पान बीड़ी स्टोर में आपको आईटीसी का सिगरेट मिलेगा, यानी आप सोचो उसका सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है। कोविड आया, डिस्ट्रीब्यूशन तो इंपैक्ट हो गया, आईटीसी का सेल ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ, बिकॉज आईटीसी ने पार्टनरशिप्स किया। अगर आपको मालूम है इनोवेशन में मैंने आपको बोला था इनोवेट इन योर चैनल्स, इनोवेट इन योर नेटवर्क, इन्होंने दोनों इनोवेशन किया, जोमैटो से, स्विगी के साथ, डोमिनोज के साथ, डोमिनोज के साथ साथ आईटीसी का आशीर्वाद आटा आप मंगा सकते थे, जो कम्युनिटी ऐप से माइगेट उनके साथ किया, उन्होंने खुद का वेबसाइट भी लॉन्च किया और वहां पे डंजो के साथ टाइप कर लिया, एंड दे लॉन्च द कंसेप्ट कॉल्ड आईटीसी स्टोर ऑन व्हील्स, कि आपके हमारा दुकान आपके पास आएगा, हमारे प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगे, आप ऐप पे ऑर्डर करो, आप आईटीसी के ऐप पे ऑर्डर नहीं करना चाहते तो आप माइगेट जैसे कम्युनिटी ऐप से वहां पे भी ऑर्डर करो, आपको घर पे पहुंचा देगा। जहां पे जिसका स्ट्रेंथ था, जहां डोमिनोज प्रेजेंट था, डोमिनोज के साथ टाइप किया, जहां स्विगी प्रेजेंट था, टाइप किया, लुक एट इनोवेशन, दे डिड दैट इनोवेशन एंड दे वर एबल टू सर्वाइव एंड कंटिन्यू एंड ग्रो। एंड फ्रॉम रेड फायर प्रिंसिपल, रेलेवेंट बिजनेस मॉडल इज रेलेवेंट, इजी कर दिया कस्टमर के लिए, डिजिटाइज कर दिया, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये लोग ने पार्टनरशिप में इनोवेशन किया और एक्सीलेंस है, सिर्फ रैपिड ग्रोथ नहीं है, नॉर्मल ग्रोथ है। सो विद दिस आई एंड माय केस स्टडीज, लास्ट क्विज, गेस अ कंपनी विच हैज ऑल एलिमेंट्स ऑफ रेड फायर, जिसमें रेलेवेंस भी है, रेलेवेंस भी है, इजी भी है, डिजिटल भी है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन या स्ट्रेंथ भी है,
innovation hai, rapid growth or excellence. Okay, whoever gives his right answer will, you know, I'll give them a prize. And I will request you ki aap hume Facebook or Instagram pe follow kare. We have daily videos or content coming up, jo aapko free of cost boost karega. And we have a small leadership course of 21 modules. Aap apne aap ke liye, apne team ke liye bhi subscribe kar sakte. It costs less than 2000 rupees. So we are also trying to implement Redfire. More than 5000 people have paid and enrolled in this course over the last 12 months. So we are very, very happy with this. And with this, I welcome any questions and over to Karan and team. Sorry, I'll just end it right fire. Yes. Thank you. So you're going to answer the last quiz? Yeah, let okay. So I tell you one company which I really admire. Two hai. One is Zerodha. Agar aap Zerodha ko dekhenge, so not taken any investments. Bootstrapped hai, khud ke paise. Relevance, yes, business model relevant hai. Very easy to use. Apps hai, bahut easy hai. 100% digitized hai. Financial strength, itna discipline hai ki unhone khud ke paise se grow kiya hai. Aur aaj aapko pata hai unke owners kitna salary le rahe. They are taking it in crores. Innovation hai aur aaj bhi innovation aa raha hai. In fact, abhi recently stock market pe jab log itne sare ghus rahe hai, to unhone ek feature dal diya hai ki after some time freeze, aapka account freeze ho jayega agar aap bahut loss karenge to. Rapid growth. Yes, Zerodha is still growing rapidly. Unka statement aaya tha ki mutual fund aur iska penetration bahut kam hai, we will grow rapidly and it is excellent. Their customer experience, their product features is excellent. So Zerodha is one company I admire. Second is Razorpay. Agar aap Razorpay ka bhi dekhenge, they follow the Redfire formula and you know they are growing good. So many companies are there. So yeah, that's it. Thank you. I'll stop my sharing and then maybe we can take some questions. So just request everyone to post their questions on the Q&A chat box. We've got a few questions, but if anybody wants to add, we can start off and maybe give a minute to everybody to gather their thoughts and put the question. So Bashir, I think thanks so much for the wonderful session. I think you asked at the very first that aag lagi hai ki nahi. I'm sure after the session, zarur aag lag gayi hai. And I'm sure you've got the fire in the belly, you've prompted everybody to have the fire in the belly to, you know, take the future ahead. So thanks a lot for the wonderful presentation. I think you've also seen the comments from various people on the chat. So, you know, wonderful presentation. I had one point, bahut zaruri hai. This pandemic is an opportunity jisne pehle apne fundamentals bahut clear rakhe the. And that is why hamare jo elders bolte the na ki achhe insaan bano, achha vyavhar rakho, jawan ki kimat rakho. जिसका व्यवहार अच्छा था, जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं थे, दे आर एंजॉयिंग इन पैंडेमिक. लेकिन फॉर एग्जांपल जिसका व्यवहार थोड़ा ब्रैश था, पेमेंट में थोड़ा हम बोल रहे डिसिप्लिन नहीं था, ओवर लेवरेज थे, दे आर सफरिंग. सो वन लेसन फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन विच वी कैन गिव टूडे इज फंडामेंटल्स विल ऑलवेज रूल. शॉर्ट टर्म सक्सेस आएगा बट फंडामेंटल्स विल ऑलवेज रूल. स्टिक टू योर कोर वैल्यूज, रूट्स एंड फंडामेंटल्स, यू विल नेवर फॉल इन देम. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई वांट टू गिव. थैंक्स सो मच. And I think just before we start the Q&A session, also very apt that we have your session happening today, because next Saturday we have a big launch from KCF, something we've termed as Startup Ki Paathshala. And I think today's session, you know, sets the platform very clear for that kind of program, where we intend to bring in various entrepreneurs from the startup world. To share their story, and you know, you'll get further updates very shortly. I think the next Saturday program is with the Farm Easy founders, of which one of them is a KVO individual himself. So I think very proud for the community as well. We have two, Siddharth Shah, who's the CEO, and Hardik Dedia, who will be joining us next Saturday. So would request all of you to also join that program, which will kickstart our Startup Ki Paathshala program. Thanks so much. Thanks, Vashish. So I think we'll kickstart the Q&A session. One question that, you know, which came to me was some of your success stories, you know, were well received. But I think if you can just share, you know, a particular case or you've seen during COVID time where it's been disrupted by, you know, entities like Byju's or say Farm Easy or something, and where they've managed to pivot. Because obviously, bigger players would be disrupting, are flush with funds, but some of the smaller players may not be. So how do you see the Redfire fitting into such kind of examples? Redfire ka first letter R, relevance, is very, very important. Is
देखो बायजूस सबको पिच कर रहा है लेकिन बायजूस के खिलाफ ही कुछ नेगेटिव पीआर आया है, सब में लाइक सब में नॉट लाइक, देयर इज ऑलवेज अ मार्केट एज लॉन्ग एज यू हैव अ डिफरेंशिएशन। ओके, अगर आप एक अपने कस्टमर को बायजूस समझो 8 9 10 कर रहा है, 11 12 कर रहा है, यू फोकस ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, यू फोकस ऑन टेक लिटरेसी, आप एक छोटा सा एरिया ले लो। एंड आई एम व्हाई एम सेइंग दिस, मैं एक स्टार्टअप का एग्जांपल ले रहा हूं जिसने अभी तक लॉन्च नहीं किया है, आई एम अगेन रिपीटिंग, इसने अभी तक लॉन्च नहीं किया और 32 करोड़ रेज कर चुका है ओनली बाय क्रिएटिंग अ डिफरेंशिएशन। तीन जन, नॉट इवन बिग टीम, बाय क्रिएटिंग अ डिफरेंशिएशन कि भाई हम बायजूस के सामने नहीं लड़ेंगे, भाई हाथी के सामने जाएंगे कुचल जाएंगे, छोटा सा कस्टमर नीच लेते हैं, उसमें इनोवेशन एक्सीलेंस डिजिटाइजेशन वो इजीनेस लाते हैं और पीपल वॉन्ट टू सी हाउ यू आर डिफरेंट। एंड सेकेंड, मैं वापिस बोलता हूँ, काफी लोगों को लगता है हम बेस्ट है, आपके बोलने से आप बेस्ट नहीं होंगे, इट शुड बी वैलिडेटेड बाय मार्केट एंड कस्टमर्स। तो हमारे पायलट में कस्टमर्स लव्ड इट, दे वर रेडी टू पे फॉर इट, पायलट वाज सक्सेसफुल, वी वर एबल टू रेज सम मनी एट टेक कंपनी। सो आप डायरेक्टली इनके साथ कम्पीट नहीं करें, फोकस ऑन योर सेपरेट कस्टमर नीश एंड डिफरेंशिएशन एंड यू विल सर्वाइव। सो दैट इज वन गाइडेंस आई वुड गिव। ग्रेट, थैंक्स। So, just taking a question from the panel Q&A section, somebody's asked, Red Fire formula is obviously fantastic, but what if there is no finance? And especially in a situation where you're already in debt with your existing business and you have a scenario that obviously you've got to pivot or change the business model. How does one navigate through that kind of a situation? Bahut valid question hai, bahut sare entrepreneurs isse guzar rahe, lot of people are going ki हम लोग करने के लिए रेडी है लेकिन फाइनेंस नहीं, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको प्रीएम्प्ट किया था कि योर फंडामेंटल्स और व्यवहार पहले अच्छा रहेगा, इफ यू नो योर बेसिक्स वर राइट यू वुड हैव बीन इन बेटर शेप, लेकिन जो हो गया हो गया। पॉइंट नंबर वन इज आर पे काम करो, क्या मेरा बिजनेस के लिए मनी लाना, ये जो मिथ है ना दैट मनी नहीं मिलता, दैट इज नॉट ट्रू, आप उसके काबिल बनो, वर्क करो, सो चेंज योर बिजनेस मॉडल एंड प्रूव कि मैं ये कस्टमर को सर्व कर रहा हूँ, मैं उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ये मेरे मार्जिन से, ये मेरा ग्रोथ स्टोरी। If you can prove this, money will come. But अगर आप वही traditional business कर रहे हो और आपसे नहीं हो, you know, if you're not pivoting, money will not come. Second is sometimes it is okay to ask for help. ये हमने काफी करण, हमने हमारे entrepreneurs के साथ भी किया कि we have been very honest to our vendors, our entrepreneurs, our suppliers. We have asked for help कि हम financial crunch में, we have intention to repay, and this is how we are building our excellence, and we are converting all vendors and employees whoever are ready into partners. तो आप अपना कॉस्ट पोर्शन कम कर रहे हो, आप अपना पार्टनर्स बनाओ एंड वर्क डबल हार्ड एंड ट्राई टू कम आउट। एंड समटाइम्स यू हैव टू टेक अ वेरी वेरी टफ स्टेप कि अब ये नहीं होगा तो शायद बिजनेस को शट डाउन भी करना पड़ेगा, शट डाउन करके और कुछ नया स्टार्ट करो, दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, बट समटाइम्स आपको वो रियलिटी एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना पड़ेगा। थैंक्स पचेश। इन लिंक टू दिस क्वेश्चन, समबडी आल्सो फ्रॉम द ग्रुप हैज आस्क्ड, यू नो, again, the red fire formula seems to be very apt. I think one of the biggest challenge they face is of mindset, right? And the question that the individual has asked is that, you know, in our community, especially in the SME segment, you know, the mindset is not there to change, right? There's always reluctance to change for various factors. How does one change the mindset? Because that, I think, becomes the biggest stumbling block in many of these cases. Okay, so this is my proven 100% formula, और I think अगर audience में मानसी है तो मानसी और मैंने भी ये discuss किया था, बहुत simple formula है। आप daily जितने लोग को मिलते हैं उसका आप list maintain करें। Okay, this is also being very very viral on Instagram, I love this। आप daily जिससे भी मिलते हैं ना आप उसका list maintain करें, समझो मैंने आज करण को मिला, आज फिलिप को मिला, मेरे वेंडर को मिला, क्लर्क को मिला, और एक बाजू आप अपने सपने को लिखिए, अपने गोल्स को या विजन को लिखिए, और रोज रात को सोने से पहले जस्ट फाइंड आउट कि मैं जिन लोगों को मिला वो मेरे गोल्स या विजन में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड यू विल रियलाइज दैट द पीपल यू आर स्पेंडिंग टाइम विद, आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो उनका आपके गोल्स और सपने से शायद कुछ लेना देना नहीं है। द बेस्ट वे टू चेंज योर माइंड सेट इज टू अपग्रेड योर सर्कल, पीरियड। आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो और ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत अग्रेसिव है, जिनके पास अच्छे वैल्यूज है, जो खुद बहुत स्पिरिचुअली फिजिकली फिट है, इमोशनल इंटेलिजेंट है, इन्वेस्टमेंट वाइज शार्प है, एंड दे विल गिव, पीपल लव हेल्पिंग। आप पैसे मांगोगे मैं नहीं दूंगा, आप हेल्प मांगोगे मैं टाइम दूंगा, मैं ब्लेसिंग्स दूंगा इन जनरल। सो चेंज योर सर्कल टू चेंज योर माइंड सेट एंड मीट पीपल हु कैन हेल्प योर गोल्स। ओनली एक चीज करो, कंफर्ट जोन निकल जाए। थैंक्स।
any specific platforms or subscription that you would, I mean, in general, advise people, especially to inculcate the habit of reading as well and keeping up to date with current affairs? Anything, any particular platform that you can suggest? Most good things in life are free. YouTube.com. चाहो तो उस पे टाइम पास करो, चाहो तो उस पे बहुत सारे अच्छे लर्निंग्स है, चाहो तो उस पे बहुत सारे बुक रिव्यूज है. एंड सेकेंड, यू नो, जस्ट आस्क पीपल. लाइक जैसे आई ऑलमोस्ट गेट एवरी वीक ऑन लिंक्डइन, सर रेकमेंड 10 गुड बुक्स ऑन मैनेजमेंट, रेकमेंड 10 गुड बुक्स ऑन सेल्स. आस्क पीपल हु आर सक्सेसफुल. आप फिलिप भाई से, अशोक भाई से, करण से मुझसे पूछिए कि हम कौन से बुक्स पढ़ते हैं, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल विल कीप रीडिंग बुक्स. सो कीप रीडिंग बुक्स. यूट्यूब इज अमेजिंग. And there are two skill sets which I think हर businessman को आना ही चाहिए. One is Excel. And I'm saying this more from the micro entrepreneur's point of view. कि अगर आपको Excel नहीं आता, आपके पास data नहीं है, तो आप struggle करेंगे. And second is communication skills. The most important skills is communication. कैसे बात करना, दो मिनट में कैसे pitch करना, networking कैसे करना, business emails कैसे लिखना. बहुत छोटे pointers हैं, but ये बहुत essential है. और ये दोनों चीज़ आप free में YouTube पे सीख. Thanks, I would like to ask one question to audience. Very, very important question. Who is the best consultant or coach you can have? This is a very, very important question. And I will give you a hint. It is not a professional. किसको भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. ये सभी audience के लिए है. अपने आप से पूछो कि who is the best consultant or coach you can have? And the answer is the best consultant or coach are your kids. आप अपने किड्स को बिजनेस में इन्वॉल्व करके बोलो कि बेटा व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज, बिकॉज़ दे आर गोइंग टू बी फ्यूचर कस्टमर्स. अपने किड्स को पूछिए कि यू नो व्हाट चेंजेस. हम हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, बट इन्वॉल्व योर किड्स एज कंसल्टेंट्स. गिव देम इंटर्नशिप, गिव देम स्टाइपेंड, एंड दे विल डू वंडर्स फॉर यू. फैबुलस पार्ट. थैंक्स मसेश. जस्ट यू नो, गिवन दैट वी आर आल्सो ऑन द वर्ज ऑफ लॉन्चिंग स्टार्टअप की पाठशाला, जस्ट गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑन रेलेवेंस. So if I am entering a completely new industry where, frankly, I am evaluating a startup idea, and I'm entering into a new industry where I don't really have customers at this stage, how do I tackle that relevance field for those? I mean, what's the best way to approach addressing what is my customer, what is the need? Number one thing is, most powerful tool is chappal. Main chappal kyun bol raha hu? Real intelligence is always on the ground and on the field. So talk to people, meet people if COVID allows. Jitna aap bahar ghumoge, for example, agar aap Crawford Market pe Saturday ke din jao, you will learn 3 years of MBA in one day. Genuinely, kaise sales hota hai, negotiation hota hai. Best way is chappal. Go down there, meet people, and you will always find out. And second is, there is a very simple way of doing market research and feasibility. But main uspe kam believe karta, kyunki jo office mein baitha ho research hota hai, wo kabhi valid nahi hai. And I always have a question mark on official data. ये personal bias है, but जो आपका intelligence है और जो लोग ground पे रहते हैं, उनसे मिलो. So there is no shortcut to success and knowledge and research than meeting people and experiencing it yourself. So go meet people, talk to them, and that is the best way to form, a good pulse. And best thing, second thing is, it comes with experience. आप जैसे लोगों को मिलोगे, ये करोगे, you'll come to know what is there. And you can always talk to people. जैसे for example अशोक सर है, करण yourself is there, दिनेश भाई है, बहुत सारे लोग हैं हमारे community में जिनके पास strong ground pulse, ground reality, market pulse है. You can always reach out to us on LinkedIn and you will get knowledge. Great. Thanks. Especially I'll digress a little. There's one specific question that somebody had on this. So you mentioned about reliance using blockchain. He just wanted a bit more clarity on what is the example that you use for letter of credit, and if you can just share that. I have the entire blog. If that gentleman or that person can contact me on LinkedIn or email, main unke sath wo blog aur case study share karunga immediately. Okay. And I can put it on the chat here also right now. But sure. Great. Thanks. Social media, I'll send the case study. Sure. Thanks. Just taking a few more questions from the Q&A box. There was a recent article, I think a day or two, that the government PLI scheme is obviously well-intentioned, but there is nothing specifically for the MSME, the PLI scheme. It looks like all the big players are only trying to claim that benefit. If you have any views on that, and also, how do you see the strong push that the government is putting on infrastructure? What kind of opportunities or benefits from the MSME sector? Sure.
one thing is very clear is there are a lot of benefits and subsidies out there, but हमारे पास शायद वो knowledge हो रही नहीं है professionally to take care. And second is, again, this is a very, very strong personal opinion is, you are not valuable till you yourself, you know, value yourself. So शायद MSME इतना fragmented है, formalized नहीं है, उतना उतना support नहीं कर रहा है, तो शायद एक ऐसा government का indirect attitude हो सकता है कि, you know, let us not pay too much attention. And this is happening worldwide. If you see across industries, only 2, 3, 4, 5 strong players are emerging. Small players are being reduced to, you know, very, very transaction based. So best formula is God only helps those who help themselves. Implement red fire, network people and try to take maximum benefit. Lekin jis din aap apne aap ko value karoge, people will come with funds, with subsidies and they'll start valuing you. But till you don't value yourself, no help or subsidy is going to help you. Yeah, makes sense. I think that's right. A similar question, not a similar question, but a linked question is, this recent external factor, right? Like in terms of what happened in China, how does one manage, regulatory changes or certain cases where you have not planned for that change, like the recent restrictions on e-commerce and social commerce, websites in China. We obviously haven't seen that in India. We've seen it in particular states where certain power contracts were cancelled at the last minute. But what would your view be on these kind of things happening in India? So do cheez bahut bahut zyada important hai Karan, is whenever you plan your strategy, external factors mein pestle analysis aata hai. Political, economical, social, technological, legal, environmental. And day one pe you always do your critical failure analysis ki what can go wrong. So, अगर आपको लगता है probability of India shutting down e-commerce looks very, very less. But अगर मैं China में रहता था, that risk was already high. क्योंकि China ने already वो किया है, they are not allowing Google, they are not allowing Facebook, for example. So, you always have to do your analysis on day one for your business model, point number one. Point number two, very, very important is, this is where unity helps. This is where social media helps. अगर आप जो भी industry में हो, अगर आपका वहाँ पे association है, unity है, one person writing on Twitter makes no sense. But if it is retweeted 100 times, you will get a response. Last year, June or July, I made a tweet on Twitter. It was viral where I was questioning why MSME ko kyun help nahi kar rahe ho. And I got a call from PMO office. Personally, I got a call from someone senior in the PMO office, power of Twitter. But that video was very repeat hua tha, viral. Hua. So it's important to have strong association, strong network. Jahan pe Twitter pe aap retweet karo, government or the right people will be forced to at least acknowledge. Fabulous. Thanks, Pashish. So our next question is, somebody is asking that, the red fire formula that you have, in a lot of your case studies, they were more manufacturing kind of setup. Have you seen any examples in the professional segment where it's more a service kind of a setup? So any business red fire is going to help. Let's say I'm a doctor service. Yeah, I'm a consultant. Business models are changing relevant. Yani if you're not able to do telemedicine, if you're not able to digitize yourself, if you're not making life easy for others. So red fire formula holds true for business models. Agar aap service mein bhi business kar rahe ho, toh it holds true. But main ek follow-up question lunga ki agar aap job kar rahe ho. Let's say if you're doing a job. My first thing is whenever you're doing a job, think yourself as an entrepreneur. Entrepreneur is someone who's an internal entrepreneur. And once you're an entrepreneur, start thinking from red fire point of view ki main kya kya implement kar sakta ho, push kar sakta ho. If that is not possible, go to my excellence slide and in excellence, work on yourself. Three most important skills which will make you a superstar in the future if you're a professional. First is ability to influence. So many micro influences are coming in. So make sure you have a very good LinkedIn profile. You have ability to influence. Second is goal-oriented approach. If you can take ownership of goals and knock them goals, you are absolutely successful. And third is common with an entrepreneur, continuous learning and unlearning. If you can learn, unlearn, learn, unlearn, if you can influence people and if you can take goals, you are sorted as a professional. Thanks. I think we have one question which is slightly digression, but your views on cryptocurrency. You mentioned that in your starting this, but just your views on cryptocurrency. So cryptocurrency and blockchain are a little different. Blockchains are here to stay. Cryptocurrency is also here to stay. Maybe governments will try to regulate and bring their own digital currency, but it is here to stay because people like to rebel and cryptocurrency is trying to break the financial structure.
कि भाई मेरे को बैंक्स के थ्रू ही सब क्यों करना है, आई वांट टू डू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस माय ओन वे. हैविंग सेड दैट, जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है, नो वन कैन प्रेडिक्ट, नो वन नोज व्हाट इज हैपनिंग. एक दिन इलन मस्क अच्छा बोलता है तो डॉजे कॉइन ऊपर हो जाता है, एक दिन इलन मस्क कुछ बुरा बोलता है तो डॉजे कॉइन गिर जाता है. सो इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, कंसिडर इट प्योरली स्पेक्युलेटिव, कीप इट लेस देन 3-5% ऑफ योर पोर्टफोलियो, बट इट इज हियर टू स्टे एंड स्टार्ट ट्राइंग टू अडेप्ट वॉट इज ब्लॉकचेन. Because blockchain for file transfer, blockchain for property records, ये सब already implement होना चालू हो गया. Thanks, thanks, Prachesh. Just going back, so you know, you've been a successful mentor and a coach and a consultant for so long. I think while we do showcase and talk a lot about our success stories, you also obviously experience failures at various point of time. I mean, do you have 2 or 3 mantras on how to handle failure? Like, you know, if you have any that you can share with us, please. First of all, failures are not bad. Failures are good. First mantra, you know, welcome failures. As long as your value system and ethics and intentions are right and failures happen, they are good. Most important interview question asked by, you know, big professionals is, what are your failures in life? Because if you don't fail, it means you have not taken risk, you have not tried. So failures are good as long as you learn and you don't repeat. You know, that's the only thing. Second is, again, I will come down to fundamentals, is your circle. If you have the right circle, they will push you, they will invest in you, they will motivate you. The single biggest takeaway for personal mindset, comfort zone se bahar nikalna hai, failure overcome karna hai, is aapke circle ko upgrade karo. Have the right people. So failure se nikalna bahut zyada zaruri hai. If you see a lot of successful entrepreneurs today, you know, including Baijus and everyone, they failed so much in life, you know, itna struggle kiya. So it's a very, very, you know, kya bolte, very cheesy to say, but failure is definitely a stepping stone to success. And personally also, I've had a lot of failures. So we have invested in 42 startups, 20 of them have shut down, which is okay. It is part of life. We have taken equity in 9 MSMEs in the last 12 months. Kafi consulting assignments karte hai, jahan pe outcome not expected aata hai. But we learn from the failures. My only thing is, failure should be there in the outcome, it's okay. Failure should never be there in values and process. Then you're sorted. Thanks. I think that's excellently put. So thanks for that. One question which has come on the chat right now is, you know, and this is something I also wanted to ask you is, if you're in a commodity kind of a business, so the particular gentleman has asked, you know, on clothing retail business, he just wanted, you know, how are you seeing, if you've seen any examples or consulted anybody in that industry, and how do you see the impact and disruption happening there? And if anything else you can share on that industry. Again, red fire applies. This first is be relevant, is that, am I needed? And I'll digress a little, is there are a lot of middlemen. Retailer is also middlemen for me. A lot of middlemen will not survive if they cannot prove their worth in the business model. Okay, why am I needed? Mera customer kaun hai? वो मुझे क्यों पैसा देगा, कितना वो स्टिक करेगा, और मेरा स्ट्रेंथ और कस्टमर का एक्सपेक्टेशन मैच हो रहा है. सो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू मैच, सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव गुड इन्वेंटरी, सो लेट्स से आई हैव अ कमोडिटी सेलर बट आई ऑलवेज हैव रेडी स्टॉक. समझो मैं चाय बेचता हूँ, चाय सब लोग ही बेचते हैं बल्क में, B2B एक्सपोर्ट, बट आप जब भी बसेश भाई को कॉल करोगे उनके पास अवेलेबिलिटी रहेगा. सेकेंड इज अ गुड ह्यूमन बींग, दैट ऑल्सो हेल्प्स, इनका व्यवहार अच्छा है, इनके साथ काम करने में कोई नुकसान ही नहीं है. कमोडिटी B2B बिजनेस में बहुत काम आता है. You know, they are very, very honest people. So as long as you have certain inherent strengths, you know, that they will, you know, be very fair, reliable, they will always have inventory, you will always grow. In terms of clothing retail business, a lot of people have already started selling on WhatsApp, digitized, Redfire. Jaise ek chota sa company dunga, Total Sports ka case study to humare samne hi hai. But there's one more company called as Wagle Company, you know, oldest sports store in India, 157 years old. Uska turnover 50 lakhs ke aaspaas hai, not a big turnover. But COVID mein, they have digitized their entire operation. Everything is sold on WhatsApp, delivery, everything. So, chote business bhi digitize kar sakte. 50 lakhs turnover is not a big business, but 150 years legacy. So, if you can digitize your business and have some strengths, agar aap retail ho, to aapka sabse bada strength aapka location hai. Try to ensure ke ye maal 2 km radius mein aisa maal aapko aur kahin nahi milega. If you can create some monopoly strengths, you're sorted. Okay. Thanks. So, Vasish, I think the next question that I have is, you know, more in line with KCF also launching Startup Ki Paathshala, and we were debating the, you know, what's been happening in the community, right? Kachchi community specifically. So we had, you know, the finance crisis which happened,
And then what we're also seeing is with this COVID disruption, a lot of the next generation are choosing, you know, to take up jobs, whereas we've always been an entrepreneurial community, right? So one of the factors that we were discussing is how does one assess and how should one assess whether he's ready to for entrepreneurship? So assuming he's been doing a job for a long time, how does he assess whether he is fit? I mean, is there a formula at all, or it's more about taking the plunge and failing and then learning? Or is there anything where one can assess whether he is fit for entrepreneurship? So I mean, if you can... New age entrepreneurship. I may ask a question ka 2 points. One is, again, personal opinion with a lot of respect is, why is KBO community not so successful in startups? That is one personal point that I have. If you look at maybe Maharadis, you know, a lot of Bansals and Agarwals, and they've done good. One is because in KBO community, the mindset is that father, grandfather, sabhi tak power chhod nahi. So that is one real reason. And second is the risk-taking ability, the continuous learning ability, comfort zone aa chuka hai, you know, ek thakan aa chuka hai. There is, you know, one slight that negative feeling has come, which is why startup culture is not taken off in the KBO community. This is my, again, personal opinion and observation. So I think this needs to change by having such more boot camps, creating better circle, this will change. Entrepreneur banne ka mere hisab se 3 checklist hai. First is, you need to be passionate about something. And passion words mein nahi dikhta, kaam mein dikhta. Aap job karo ya business karo. If you're passionate about tea, if you're passionate about training, passion chahiye, pagalpan chahiye. Second is, if you have a higher purpose, ki bhai mujhe lives impact karna hai, mujhe kuch karna hai, to purpose ko fulfill karne ke liye entrepreneurship is the only way. You could be a social entrepreneur, ek naya term aaya hai, where you are, you know, like an NGO and having minimal profits, running efficiently. But as long as you have passion and purpose, you will be an entrepreneur. And number three, best thing, you know, I think hum log wo circle mein ghume, job is gulami. We have to accept it, whether we like it or not. 10 crore ka salary ho ya 3 crore ka salary. If someone who wants freedom, you know, if someone wants to have that creativity expression, entrepreneurship is for them. So passion, purpose, and the freedom, you know, if you want these three, then ye jab tino aapko wo aage andar se, to aap entrepreneurship karo. Great, I think. Yeah, I think that's a great viewpoint. I think, and I think that's important, you know, especially. And with that thought, only KCF decided to launch that startup ki Pathshala. So hopefully, we are able to, you know, create the next batch of entrepreneurs from our community as well. I think the questions on this the chat box are finished, but I have two specific questions that I thought a bit more personal for you. But I thought, you know, I'll ask them at the end. So one is, obviously, you know, it's been nearly 1.5 years from when COVID has impacted. Leaving aside professional business aspects, can you share one or two things that have changed for you personally, and like things you've like habits or you know, practices that you've evolved, which are maybe not business related but on a personal level, which people can also, you know, take inspiration from? The day lockdown was announced, no, I grabbed an opportunity be more active on social media. So from 4,000 followers across social media, we have around 2 lakh followers today. You know, genuine, organic, you know, real followers, no bots, nothing. Jis din lockdown announced hua tha, ek video shoot kiya tha, which was again very, very hyper viral. So one thing is, we have gone very, very digital. We have launched an online course, which has given us good revenue of, you know, just a little less than 1 crore, which is not bad in today's time. So ek is digitization ko humne embrace kiya hai. From being maybe a Gujarati, Kachi, Mumbai-based consultant to being more national. So, yeah, work front pe ho gaya. But I got COVID last year. And I'm happy I got COVID last year because antibodies aa gaye aur tension nikal gaya. But one thing, you know, COVID ne mujhe realize kiya, and I would request everyone, is it created a strong emotional bonding with the family. Jo thoda missing tha, hum kaam mein itna busy the, ke family se bond hua, and it improved me spiritually also. So the spiritual side improved a lot in the last, I was always spiritual, like in all, the spiritual side improved, family bonding improved. I've started working on my fitness. I lost net 12 kilos. Kabhi kabhi dikhta hai, nahi dikhta hai, but the weighing scale, I lost 12 kilos. So that is good. So I think ye personal changes ho gaya, and I think the focus on having a happy family, immunity, being spiritually happy, paisa hai, lekin jaan nahi, khushi nahi, to kya matlab hai. So the balance aspect of life was embraced better by me. So I think that is a personal example. Okay. The second, I mean, I have two more questions, but second one that I would want to ask is, if you were looking at a crystal ball, and you had to make one or two
predictions about, say, things 10 years down the line, anything that you would like to make about industry, about business, I mean. Yes. Every industry segment will have only 5 players dominating. Everyone else will be reduced to micro transactions. So there'll be only 5 banks, 5 clothes manufacturers, 5 shoe manufacturers. We have started going in that direction already. So maybe not even 10 years. Okay, point number one. Second prediction is AI hum kar rahe, artificial intelligence, digitalization aa jayega, but there'll be a premium on the roots. There'll be a premium on being happy culture, on immunity, on family bonding, on vacations. So the human aspect will start getting more premium and more worth. As AI increases, the human touch will also get more increased. And three, you're going to see fantastic rise and falls, hyper disruptions, hyper volatility. So maybe we'll see last 100 years mein jo disruptions hua, we'll see every 5 years. So we'll see at least 2 more big cycles of disruptions of companies going up, down, up, down, up, down. So these are my 3 predictions for next 10 years. Thanks, Vashil. I think that comes to, and we have your support to, you know, manage that change as well. My last question, I think I don't have any other question, but my last question is, Ashok Bhai obviously mentioned that you're clearly a jewel from our community. Assuming today, if you were receiving an achievement award, you've been in the consulting industry for more than 8-9 years. If there was one success story or one story that you are really proud of and you would like, is there that something that you can share with us? Like, without giving names or much detail, but if we were to say, you know, what was something which is closest to your heart, what would that be? I give two stories. And what was the impact that you had? Yeah. Two stories very close to heart. Both are micro entrepreneurs. One entrepreneur said is that based on whatever inputs, training, mentoring, they were able to survive, grow, have an improved cash flow and a better life. So that is very, very important for me, because I personally feel, and again, not being negativist, a lot of these micro entrepreneurs are ready to get vanished, you know, if we all don't do something very, very soon. So pushing them in the right direction, and want to clear one myth along is, kaam aapko hi karna hai. Kaam aapko hi karna hai, mehnat aapko hi karna hai. Hamara kaam aur baki KCF ka kaam, sabka kaam hai, is just to show the right part and to keep pushing, keep challenging, to try to be a good circle. So the concept that I had is ke US chhodke India aaya. So very, very happy, you know, you're making good money, good name, good respect, but a lot of blessings. So I'm happy in this field is because I got a lot of blessings, you know. So that was one case study. And second case study, again, very, very important, is father-son had a lot of dispute. By both of them enrolling the course together, that communication gap, that dispute got resolved, and the respect happened. So I have such small stories, not only financial impact, but the emotional, spiritual impact also, the journey that we are able to impact as part. I think the blessings that I get as part of this, you know, are my best takeaways. I think biggest wealth that I've got in the last 8 years. Great. Excellent. Thanks, Vasesh. I think this brings us to the end of the Q&A session. Vasesh, any last, you know, one or two comments? Otherwise, I will just put a vote of thanks for. I think 3 biggest takeaways from today's webinar is, stock market is a full-time business. So be very, very careful, because I see a lot of people, you know, neglecting their business and being on stock market. So one is there. Second is your circle. You know, make sure you have the right mentors, right support system, right friends. I was lucky that I was adopted by Ashok Bhai, Philip Bhai. They invested in me, you know, they gave me their blessings, they pushed me. So I'm happy that I have a good mentor, good support system. So your circle is very, very important. And third, purpose, passion and profit. If you combine these 3, you will always keep growing, you know, with red fire. So make sure you have purpose, make sure you have passion, and have a profit motive. And, you know, these 3 are enough motivation for you to keep hustling and getting out of your comfort zone. Super, Vasesh. I think thanks a lot for all your time and all your thought leadership on the seminar today. I think has been very, very valuable. And like Ashok Bhai rightly said, you know, we can continue to hear you on regular occasions. So I hope we get that opportunity. So thanks everyone for joining this wonderful session. I would like to thank Philip Shah for being the convener for today's seminar. And again, once again, Vasesh, thanks a lot for all the time and effort. Thank you everyone for joining. Thank you. Thank you.